हाय गाइस, स्वागत है आपका फिल्मी फंडे में। तो आज हमारे साथ है निशित परीख, जो एक एनिमेटर है और वो 3D आर्टिस्ट भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक एनिमेशन फीचर फिल्म के बारे में, रेटेटुई, जिसके डायरेक्टर है ब्रैड बर्ड। और वो फिल्म का ब्रेकडाउन करेंगे आज, और ये काफ़ी अलग किस्म का एक एपिसोड होगा, क्योंकि ये एनिमेशन फिल्म है। लाइव एक्शन होता तो हम लोग और मतलब ये मतलब अलग बातें करते, पर एनिमेशन है तो एनिमेशन की भी बातें करेंगे और उसकी प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। और निश्चित जो है हमें बताएगा उस प्रोसेस के बारे में, और हम ब्रेड बर्ड के बारे में भी बात करेंगे, और ढेर सारी बातें होंगी आज, रेटेटुई के बारे में भी बातें होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो निश्चित, हाई, पहले तो अरे कैसा है यार? मतलब एकदम मस्त रहे, पूरा ये क्वारंटाइन में एकदम, ये लॉकडाउन में एकदम घर पे वही। पक गया, हाँ यार, पूरा पक गया। कुछ काम करने के लिए नहीं है, बस बैठे हाँ बैठे 3D शॉर्ट्स बना रहे हम लोग बैठे बैठे। हाँ तो निश्चित, ये एनिमेशन फिल्म्स जो होती है वो फीचर फिल्म्स बनाते हैं हम लोग। जब देखते हैं तो एनिमेशन फिल्म, ये 10 सेकंड का भी एक वीडियो होता है तो भी कितना टाइम लगता है? ये लोग इतना 3 घंटे का, 2.5 घंटे का फीचर फिल्म एनिमेशन कैसे बनाते हैं? क्या प्रोसेस होता है निश्चित? प्रोसेस तो वही सेम होता है, जो 10 सेकेंड की जो शॉर्ट्स बनाने के लिए जो यूज होता है एनिमेशन, वही सेम प्रोसेस 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए यूज होता है। बट जो हम 10 घंटे की जो सेकेंड 3D मूवी बनाते हैं उसके लिए हम कम लोग होते हैं, लेकिन ये इतनी 3-3 घंटे की फीचर फिल्म बनाने के लिए देर आर मोर देन 1000 to 2000 पीपल्स इन वन सिंगल फिल्म। और हर मूवी में हर जैसे मॉडलिंग है, अभी एनिमेशन के अंदर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहले मॉडलिंग होती है, फिर उसके बाद टेक्सचरिंग आता है, फिर एनवायरनमेंट आता है, बहुत अलग अलग पार्ट्स है। तो हर डिपार्टमेंट के लिए उतने सारे बंदे अलॉट करे रह जाते हैं कि प्रॉपरली वर्क डिवाइड हो सके और वर्कलोड ना हो। बट तो भी एक चीज, जो रेटेटुई मूवी है उसको बनने के लिए अप्रोक्स 7 ईयर्स हो गए, अरे अप्रोक्स बाप रे, इन टोटल। उसका प्री प्रोडक्शन 5 साल का था सिर्फ, 2000 में स्टार्ट हुआ था प्री प्रोडक्शन रेटेटुई का, एंड इट वेंट टिल 2005। एंड 2005 में ब्रैड बर्ड ने एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया मूवी को, एंड ओके, देन इट स्टार्टेड एक्चुअली रशिंग टुवर्ड्स द एंड गोल ऑफ देम। ओ, ये बात पता बहुत नहीं थी। मतलब इतने साल लगते हैं, मतलब मुझे लगा था कि कुछ महीना में बन जाती अरे होगी, प्री प्रोडक्शन कुछ महीने में ऐसा। कुछ महीनों में मॉडलिंग हो जाए वो भी बड़ी बात है, कैरेक्टर्स बन जाए ना वो भी बड़ी बात है। सबसे एक्चुअली सबसे ज्यादा मेन पॉइंट टाइम कहाँ लगता है वो है प्री प्रोडक्शन, बिकॉज राइट, कैरेक्टर कैसा होगा, कैसे कैसे एक्सप्रेस करेगा खुद को, अगर वो अपना लिप्स हिलाएगा या फिर आँख हिलाएगा तो उस वो हिसाब से उसका फेस कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो छोटी छोटी चीजें वो सब क्रिएट करनी पड़ती है। राइट, वैसे मेरे पास है ना, जो रेटेटुई मूवी में ही हाँ, जो मेन कैरेक्टर है अपना रेमी ओके, द माउस वो हाँ एक्चुअली कुक, हाँ उसका मेरे पास एक ये है क्या बोलते हैं अर्ली वर्क है, अर्ली वर्क इन प्रोडक्शन है, उसका फर्स्ट ओके, हाँ स्केच बनाते हैं, हाँ सबसे फर्स्ट पहला कैरेक्टर स्केच। डिजाइन कैसा? हाँ फर्स्ट कैरेक्टर डिजाइन मैं शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। ओके होस्ट डिसेबल स्क्रीन शेयर, हाँ नहीं तूने स्क्रीन शेयर डिसेबल रखा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा, अभी हो रहा है? अभी हो पाया। ओके ये देख तेरे को जो स्क्रीन दिख रही है मेरे इस पे, हाँ कूल, ओ हाँ ये सबसे पहले स्केच है इसके रेमी के, मतलब ओके, उन लोगों ने बस ये बेसिक स्टार्ट किया था ये बनाना। मेरे पास और है, एक्चुअल में और है मेरे पास, वो मैं बताता हूँ, और स्केचेस है मेरे पास।
ये देखो मतलब इस तरह से वो लोग आर्टिस्ट लोगों को मतलब हायर करते हैं स्केचेस बनाने के लिए, सिर्फ हाँ, स्केचेस। पहले स्केचेस बनेंगे कैरेक्टर्स के, उसके फेसेस के, उसके एक्सप्रेशंस के, एंड फिर वो आगे जाके वो मॉडल होगा और फिर आगे अलग अलग प्रोसेस होगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, जो एक्चुअली मूवी के अंदर जो रेमी है, रेमी द माउस, तो उस कंपेयर दैट माउस टू दिस माउस, कितना डिफरेंस है। बहुत बहुत डिफरेंस है। ये दिस लुक्स लाइक अ क्लियर एनिमेटेड माउस, राइट? हाँ मेरे पास एक और ये भी है, उन लोग ने ना फिक्शन आर्ट बनाया था। अच्छा वो जब फर्स्ट टाइम कुक करता है ना लिंगुइनी के लिए, ये वो टाइम का है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्क्रीन, नहीं दिख रही? नहीं मतलब दिख रहा है पर वो अर्ली स्केच वाला ही स्केच दिख रहा है अभी तो। शेयर तो हो रहा है, हुआ? हाँ मतलब वो स्क्रीन पहले वाला ही दिख रहा है। ये देखो हाँ ओके हाँ हाँ ये वाला आर्टिस्टिक स्केच, मतलब स्टोरी बोर्ड के भी पहले का ये डिजाइन है इन लोग के। ओके मतलब स्टोरी बोर्ड तो बाद में आता है, पहले ये लोग कैरेक्टर्स पहले पर ही इतना कैरेक्टर काम डिजाइन करते हैं। करते हैं। ओके हाँ, कैरेक्टर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली कोई भी मूवी में। हम नॉर्मल जो लाइव एक्शन मूवीज करते हैं ऑब्वियसली, उसमें भी कैरेक्टर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो वो कैरेक्टर्स को एक्चुअली मूवी में स्टार करने से पहले उन लोग का एक फोटो शूट होता है कि वो कैरेक्टर्स के कपड़ों में कैसे लग रहे हैं, ओ और हाँ अलग अलग जो चीजें होती है वो बेसिकली बोथ ऑफ द थिंग्स आर सेम, जस्ट इसके अंदर हम एक्चुअली स्केचिंग और ये सब होता है। ओके ओके राइट। एक और स्केच है मेरे पास, क्लियर? ओके इसमें तो ये उसके जैसा लग रहा है वो आइस एज में जो कैरेक्टर था, ये हाँ, माउस ही देखो नहीं लग रहा है एक्चुअली। राइट राइट ओके तो ये मैं ना एक लोग शेयर कर, क्या हाँ मतलब ये लोग कैरेक्टर्स कैरेक्टर डिजाइनिंग पे ही इतना फोकस करते हैं, उसके बाद इतना जाके स्टोरी बाद बोर्ड जाके में। मेन चालू करते हैं। ओके ये जो रेमी का जो भाई है ना, उसका स्केच हाँ है, उसके एक्सप्रेशंस के साथ, उसकी बॉडी के साथ, कि कैसा हाँ उसका बॉडी रहेगा, अगर वो राइट चिल्लाएगा, वो एक्साइट हाँ होगा, ये पूरा। वैसे पहले फर्स्ट स्केचिंग होती है उसकी पूरी, स्केच होने ओके के बाद वो पूरा मॉडलिंग प्रोसेस में जाके उसको मॉडल करते हैं। बाप रे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, बहुत ही टाइम बहुत कंज्यूमिंग टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत। पता मतलब। इन लोग ने ना, देयर वाज अ शेफ शेफ आई आई डोंट बर्नार्ड लुइस करके एक शेफ था, हाँ सेम इन पेरिस। तो ओके एक्चुअली ये रेटेटुई की जो स्टोरी है ना, वो बर्नार्ड लुइस से एक्चुअली इंस्पायर हुई है, बिकॉज ओ वो जो शेफ था ही एक्चुअली उसे सुसाइड कर लिया था। मतलब ओ जो मीडिया और ये थे ना, हाँ उसने उसके रेस्टोरेंट के बारे में थोड़ा नेगेटिव वे में डाला था मीडिया में, तो हाँ उसको बहुत बुरा लगा था, उसने वो वजह से सुसाइड कर लिया। ओ तो यही चीज ने ये स्टोरी को थोड़ा बूस्ट दिया और बाद में स्टोरी आगे बढ़ी। ओके क्योंकि हाँ वही पहले इंटरव्यू में एक्चुअली ब्रैड बर्ड ने कहा था कि जो गुस्ताव है वो पहले स्टोरी में था, फिल्म में था एक्चुअली एज अ कैरेक्टर, फिर बट फिल्म में था एज ए देन कैरेक्टर, फिर निकाल दिया वो पर इसको। निकाल दिया, उसे मार दिया गया, और देन वो फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था रेमी का। तो वो मतलब बहुत ही एक बड़ा स्टेप है जो ब्रैड बर्ड को लेना पड़ा। मतलब ये लोग डिसीजन मेकिंग भी इतना पावरफुल रखते हैं स्टोरी के लिए तो। बहुत। और इसमें क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना, वो हमेशा कोई एक या फिर दो जन ही लेते हैं, उससे हाँ ज्यादा नहीं। बिकॉज क्या होता है कि जब एक से ज्यादा जन अगर डिसीजन लेना स्टार्ट करेगा, तो हाँ शॉर्ट्स में इश्यूज आएंगे कि नहीं राइट नहीं ये शॉर्ट्स मेरे को अच्छा लग रहा है, ये रहेगा, ये शॉर्ट मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं रहूंगा, मैं रखूंगा। तो राइट दिस हैपेंस, तो इसके लिए एक सिंगल बंदा रहेगा जो एक्चुअली पूरी चीज करेगा। हाँ अभी ब्रैड बर्ड है, ही इज नॉट अ एनिमेटर, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ हाँ स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट। राइट तो ही डजंट नो टू एनिमेट और स्टफ लाइक दैट, बट उसको व्हाई ही एक्चुअली, मैं एक एक चीज शेयर करता हाँ हूँ, श्योर श्योर ये मूवी को ऑस्कर मिला। रेडेटुई हाँ गॉट एन ऑस्कर फॉर द फॉर बेस्ट बेस्ट एनिमेटेड फीचर फीचर फिल्म्स, राइट राइट इट गॉट एन ऑस्कर, एंड एज अ डायरेक्टर ब्रैड बर्ड गॉट इट। हाँ
रीजन व्हाई ही गॉट इट एंड डिसीजन मेकिंग के लिए उसको क्यों मिला द, क्योंकि है ना अभी एक सीन के अंदर, सिंगल सीन के अंदर देयर वाज मोर देन 10 टू 20 एनिमेटर्स जस्ट इन वन सिंगल सीन इन एवरी शॉट। अरे बाप रे, तो कोई बोलेगा नहीं, बोलो हाँ, तो मतलब ऐसे कितने एनिमेटर्स रहेंगे, 1000 एनिमेटर्स रहेंगे पूरी फिल्म? मोर देन दैट एक्चुअली, बिकॉज क्या होता है कोई फर्स्ट 5 एनिमेटर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं डिस्टिंग्विश करूँ 10 एनिमेटर्स के पूरी टीम को, तो अप्रोक्स 4 to 5 एनिमेटर्स जो कैरेक्टर रहेगा उसके फेस को एनिमेट करने के लिए लगेंगे। ओके, फिर उसके बाद बाकी के 2-3 रहेंगे उसके हैंड्स और उसके लेग्स को एनिमेट करने लगेंगे, और बाकी के उसकी जो स्पेसिफिक बॉडी लैंग्वेज है या फिर वो जो चलते चलते उसको जो बल्जेस आ रहे हैं उसके स्किन पे, वो सब एनिमेट करने के लिए रहेंगे। ऐसा होता है वाइट शॉट्स में पूरा वो सब जो एनवायरनमेंट है उसका एनिमेशन। हाँ। क्योंकि उसपे भी एक दो स्क्रीन शॉट्स है फिल्म में से कि मतलब वो कैसे किया उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी मेन बात करते हैं रेटटुई फिल्म के बारे में। तो इसकी जो स्टोरी है वो इतनी मतलब एक बेसिक स्टोरी लाइन है और इंस्पायरिंग है, कितनी स्वीट स्टोरी है। तो एक्चुअली एनिमेटेड फिल्म्स जब भी हम देखते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि अरे एनिमेशन थोड़ी जॉनरा है, वो थोड़ी देखते हैं, वो फिल्मों में थोड़ी आता है, वो तो बच्चों के लिए होता है। पर जो रेटटुई देखेगा उसे बाद में पता चलेगा कि कितनी अच्छी स्टोरीज रहती हैं, कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या विजुअल्स कितने अपीलिंग है। राइट और सिर्फ विजुअल्स नहीं, डायलॉग्स और सब कुछ, मतलब डायरेक्शन और एक मैसेज और कितना ब्यूटीफुल रहता है वो सब। तो पता है एक प्रोसेस है, मैं एक्चुअली पिक्सार के अंदर है ना, मैंने एक बार एक सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन लोग ने बोला था पिक्सार में कि वो जितने आर्टिस्ट लोग को हायर करते फॉर वॉइस ओवर और फॉर डबिंग और फॉर एनीथिंग, तो वो जो आर्टिस्ट होते हैं ना दे डोंट एक्चुअली हायर एक्टिंग पीपल्स, वो ऐसे आर्टिस्ट को मतलब एक्टर्स को कभी भी हायर नहीं करते वो लोग वॉइस ओवर करने के लिए। इफ अगर वो एक्टर केपेबल है एंड दैट कैरेक्टर वो उसका वॉइस सूट हो रहा है कैरेक्टर पे, तो ही वो यूज करते हैं वो साउंड को उसके वॉइस को, वरना पूरी मूवी के लिए वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से कहीं से भी वॉइस आर्टिस्ट बुलाएंगे उसको, वो कैरेक्टर सिर्फ वो कैरेक्टर्स को वॉइस देने के लिए। देने के लिए फ्रांस से एक लेडी को बुलाया था, मतलब शी वॉज अ ट्रांसलेटर, वो वॉइस आर्टिस्ट नहीं थी, शी वॉज नथिंग, बस एक वो कभी कभी ना रेडियो एज अ रेडियो आर्टिस्ट वो काम करती थी, बट उसका वॉइस इतना अच्छा था, एंड व्हेन जब उन लोग ने उसको एक्चुअली मूवी के साथ सेट किया वो साउंड को बस ऑन द फर्स्ट प्रीव्यू, तो साउंड इतना जमा वो कैरेक्टर पे कि उन्होंने उसको जो एकदम बेसिक रोल था उसको वो थोड़ा लंबा रोल कर दिया। अरे बाप, ये इंटरेस्टिंग है, बोला कि कोई ये सारे एक्टर्स रहते होंगे पिक्सार नहीं, नहीं, डिज्नी है इतना बड़ा है तो एक्टर्स लोगों को लेते होंगे, क्योंकि ये नहीं वो एक्टर्स लेते हैं बट इन द स्पेसिफिक मूवीज एंड स्पेसिफिक शॉट्स वेयर दे थिंक दैट हाँ वो शायद वो कैरेक्टर काम करे, बट समटाइम्स इट डजंट, तो उसके लिए वो लोग पूरा चेंज करते हैं, वो पूरा वॉइस ओवर वापस से वो लोग डालेंगे, वापस से करेंगे, वो चीज होती है। अच्छा अब आते हैं कि ये लाइव एक्शन जो भी फिल्म्स रहती है उसका रिसर्च हम लोग लाइव एक्शन फिल्म से लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं, शॉर्ट्स कोई लेते हैं या बुक्स या लिटरेचर जो भी है वहाँ से हम लोग रेफरेंसेस उठाते हैं, देन इमेजेस है कोई फोटोग्राफी करता है उनसे रेफरेंसेस लेते हैं। अभी वो लाइव एक्शन का अलग एक्चुअली प्रोसेस है, एनिमेशन में रेफरेंसेस और रिसर्च कैसे की जाती है निश्चित? ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता एक्चुअली, जैसे लाइव एक्शन में करते हो एनिमेशन में करते, द प्रोसेस इज पार्टली द सेम,
पार्टली जब जो प्रोसेस होती है वो पूरी सेम होती है. अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट मूवी का जॉनर डिसाइड होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो जॉनर डिसाइड होने के बाद अभी फॉर एग्जांपल जो मूवी है रेटेटुई मूवी है तो उन्होंने पूरी स्टोरी पूरी क्रिएट कर ली. नाउ दे थॉट ऑफ इट, अभी ये काइंड ऑफ रोमांटिक मूवी है एज वेल एज जो फूड कल्चर है वो भी मूवी है. फूड भी है और रोमांस भी है. तो ऐसी कौन सी सिटी है दैट पोर्ट्रेज दिस स्टोरी वेरी वेरी कंपैशनेटली. तो वो सब जो लोग सिटी शूट करते हैं बेसिकली पेरिस. तो उन्होंने फिर पेरिस चूज किया. दे एक्चुअली चोज पेरिस. एंड पेरिस चूज करने के बाद अप्रोक्स 10 to 15 पीपल्स की पूरी टीम गई. दैट इंक्लूड्स मॉडलर रेफरेंस आर्टिस्ट एवरीवन. मतलब 10 to 15 लोगों की टीम गई. दे वेंट टू पेरिस. दे हैड डिनर्स एंड लंच इन डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्टोरेंट्स इन फ्रांस के एक्चुअल रेस्टोरेंट्स. एंड पूरा जो सिटी है उसके फोटोग्राफ्स करते रहे. लाइक जस्ट सीन जस्ट रेफरेंस के लिए जो रेमी का जो पूरा घर था लिंग्विनी का पूरा घर था और वो जो पूरा एरिया था जो भी आप एरिया देख रहे हो ना पूरे मूवी के अंदर मतलब जो सिटी एरिया वो पूरा सेम टू सेम रियल है एक्चुअल पेरिस में. उन लोग ने उतना परफेक्ट डिटेलिंग के साथ बनाया. वो वहां पे गए उन लोग ने जब तक मुझे आईडिया है तब तक मोर देन 5 to 6,000 पिक्चर्स लिए थे रेफरेंस पिक्चर्स लिए थे जस्ट वो सिटी डेवलप करने के लिए. तो ये लोग मतलब स्क्रैच से पूरा सिटी वो लोग 3D सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं या थोड़ा थोड़ा वो लोग करते हैं? नहीं नहीं पूरा स्क्रैच से करना भी देखो पूरा स्क्रैच से करना भी हर बार पॉसिबल होता नहीं है. सो एक स्पेसिफिक क्या होता है गूगल मैप्स है हमारे पास. तो गूगल मैप से हम लोग है ना बेसिक्स ऑफ द मैप जैसे हाँ ये रोड है तो रोड के साइड में ये बिल्डिंग है तो वी ऑलरेडी नो इट के अंदर एक ब्लॉकिंग कर देते यू नो ब्लॉकिंग एक कैरेक्टर ब्लॉकिंग करते हम लोग. तो हम लोग वैसे ही 3D सीन के अंदर कैरेक्टर ब्लॉकिंग कर देते हैं. और हम लोग बाद में मॉडल क्या करते हैं एनवायरमेंट में जो चीजें एक्चुअली कैमरा में विजिबल है. अभी जो चीजें कैमरा में विजिबल नहीं है उसको मॉडल करके फायदा नहीं है. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम एंड एज वेल एज मनी. क्योंकि हम किसी को पे कर रहे हैं मॉडलिंग करने के लिए तो दोनों चीज का वेस्ट है. तो इसके लिए हम वही चीज उसके पास से मॉडल करवाते हैं जो एक्चुअली बस सीन में अवेलेबल है मतलब जो कैमरा के अंदर विजिबल है. ऐसा होता है. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेटेटुई के सीन्स के साथ उसका ब्रेकडाउन करना स्टार्ट करते हैं. तो निशित तुम्हारे पास कोई है शॉर्ट्स ऐसे जिसका ब्रेकडाउन करना चाहोगे या मेरे पास शॉर्ट्स नहीं है मेरे पास रेफरेंसेस थे. अच्छा शॉर्ट्स उतने नहीं है मेरे पास. ओके हो गया कूल तो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन दिख रही है. हाँ दिख रही है तेरी स्क्रीन. कूल तो हम लोग फोटोशॉप में आते हैं. ये जो शॉट है ये सीन जो है वो एक्चुअली ये फर्स्ट इंटरेक्शन है कैरेक्टर का अपने अपनी ड्रीम्स या अपने थॉट्स के साथ की. तब एक्चुअली ऑडियंस को पता चलता है कि ये खाने में कितना इंटरेस्टेड है करके. तो एक्चुअली आई गेस ये थोड़ा मिड मूवी सीन है. मतलब मिड नहीं मतलब 10 मिनट हो गई आई थिंक फिल्म. हाँ अप्रोक्स दैट. तभी वो एक्चुअली बोलता है कि टेस्ट को मिला है तो कैसा तो कुछ अलग ही टेस्ट आएगा. राइट. तो मैं मतलब इसमें वही बोलना चाहता था कि मतलब हम लोग मतलब सेपरेट भी कर दें हम लोग कैरेक्टर को इस तरह और देन पीछे भी कोई ऐसा आर्ट रखे फॉर्म इस तरह का और ये तो मतलब उसमें भी अलग उठाव आता है और इससे हम लोग ने पूरा ब्लैकआउट कर दिया. नो द मेन थिंग अबाउट दिस होल सीन इज जो बैकग्राउंड में जो एनिमेशन दिख रहा है ना जैसे ये सर्कल्स दिख रहे हैं और ये जो लेफ्ट साइड में जो आर्टवर्क दिख रहे हैं वो सब हैंड ड्रॉन है. एक एक फ्रेम हैंड ड्रॉन है. अरे बाप तो ये वो उसका माइंड सीक्वेंस है. वो उसका पूरा माइंड सीक्वेंस है. तो वो एनिमेट करना इन 3D इट्स नॉट पॉसिबल. तो थोड़े से सीन्स होते हैं एनिमेटेड मूवी में भी जो एनिमेट करना पॉसिबल नहीं होता 3D के अंदर. तो व्हाट दे डू वो रोटोस्कोपिंग कर लेते हैं वो पॉइंट पे. ओके रोटोस्कोपिंग करने के बाद वो ये सब हैंड्रॉन यूज करते हैं. एक्चुअली वो लोग फोटोशॉप में हैंड्रॉन करते हैं टाइमलाइन के ऊपर
और फिर एक्सपोर्ट करके उसको कंपोजिट कर दे एक के ऊपर एक। अच्छा ओके समझ। तो एक्चुअली ये क्या 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 ये चीज करने के लिए एक ऑलरेडी एक है ना प्रीमेड प्रोसेस होती है, मतलब ऑलरेडी जब ये शॉर्ट डायरेक्ट कर रहे होते हैं या फिर एनिमेट कर रहे होते हैं, तो ये चीज पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज होने वाली है और ये चीज आगे पोस्ट प्रोडक्शन में ये होने वाला है, तो ओके वो हिसाब से कैरेक्टर को प्लेस करा जाता है, वो हिसाब से उसके ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करा जाता है। तो मतलब वो सब प्री प्लान रहता है कि ये फोटोशॉप में बनेगा या ये 3D में हाँ, बनेगा। अब मेरा जजमेंट है कि ये सब फोटोशॉप में बनाया है, इट हाँ कैन बी मेड इन एनी 2D सॉफ्टवेयर लाइक राइट राइट फ्लैश है, मैक्रोबैड है, हाँ, या बट इट्स 2D। आफ्टर इफेक्ट्स भी उसमें भी बना होगा ऐसे मुझे। ओके, ये जो शॉट है यहाँ पे एक्चुअली इससे पता चलता है कि मतलब एनीवन कैन कुक, ऐसा ये एक्चुअली टैगलाइन है पूरी फिल्म का कि एनीवन कैन कुक। तो यहाँ पे एक क्या, ये हाँ टैगलाइन के बारे में एक फैक्ट पता है, हाँ हाँ बताओ। नहीं पता। थॉमस कैलर करके एक शेफ है इन फ्रांस, ओके हु एक्चुअली हेल्प्ड इन दिस मूवी ऑफ ऑल दोस थिंग्स, लाइक जो भी कुकिंग होती है ना एक्चुअल में हाँ हो रही है कुकिंग, वो काइंड ऑफ रियल है एक वे से, बिकॉज एक कुक ने गाइड किया है एनिमेटर्स को ये करने के लिए, ओके तो वो सब रियल है। तो दिस डायलॉग एनी वन कैन कुक इज ऑफ हिम, थॉमस कैलर। अच्छा ओके। तो ये जो शेफ के बारे नहीं में बात की थी पहले जिससे वो स्टोरी इंस्पायर्ड है, वही वही शेफ क्या? नहीं नो नो, दैट इज अ डिफरेंट शेफ, ओके दैट इज अ डिफरेंट शेफ एंड दिस इज अ डिफरेंट शेफ, बट ये शेफ इतना इंट्रिगेटिंग क्यों था मूवी के लिए, बिकॉज दिस ये जो अब ये मूवी की सबसे बेस्ट रेसिपी है, द रेटेटुई डिश, द हाँ एंडिंग डिश, हाँ वो डिश ये थॉमस केलर की है, ओके जो समझा। एंडिंग में पूरी की पूरी जो रेसिपी हाँ क्रिएट होती है, बनती है, एनिमेट होती है, हाँ वो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो वही बंदे ने एनिमेट की है, बिकॉज वही बंदे के एक्चुअल क्रिएशन एनिमेटर्स ने कॉपी की है मूवी के अंदर। ओके समझा। तो ये एक्चुअली ये एकदम बेस लाइन है पूरी स्टोरी की कि एनीवन कैन कुक। और यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है कि ये चूहे के दिमाग में है कि वो कुछ करना चाहता है, वो कुक करना चाहता है चीजों को। और उसे स्वाद का नॉलेज है, उसे स्मेल का नॉलेज है, उसे बहुत नॉलेज है। तो वो एक्चुअली एस्टेब्लिश हो जाता है। और यहाँ पे ये एक एक हम लोग एक चूहे के अंदर होप्स और ड्रीम्स और वो सब डालकर एक्चुअली हम लोग एक क्रिएट कर रहे हैं कि एक ह्यूमन एक क्या कहते हैं उसे, ह्यूमन वैल्यू दे रहे हैं हम लोग एक एनिमेटेड कैरेक्टर को। तो यहाँ पे वो एस्टेब्लिश हो जाता है। ये फिल्म का ये बेस लाइन है कि ओके यहाँ पे वो थोड़ा हम लोग वो कैरेक्टर को थोड़ा हम लोग ये कर रहे हैं। जानते धीरे धीरे जानना जानने की कोशिश करते हैं। हाँ राइट राइट। तो ये बस यही था, इसलिए मैंने ये शॉर्ट सिलेक्ट किया क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा है जहाँ पे वो गुस्सा को देखता है। और मतलब फर्स्ट तो नहीं है पर वो देखता है और उसे पता चलता है कि अरे वो नहीं रह करके वो मर गए, वो हार्ट वो उनके रेस्टोरेंट एक के हार्ट स्टाफ का मर हार्ट गए। ब्रेक फील होता है हाँ उसको, एंड राइट वो हाँ रीड करना स्टार्ट करता है गुस्तों की बुक, एंड देन ही बिकम शेफ। राइट एक फैक्ट पता है, मैंने भी क्या यही मूवी देख के कुकिंग करना स्टार्ट किया अच्छा था। मुझे मुझे बस मैगी बनाना आता है एक सीख ले हुँ. तो नेक्स्ट शॉट पे आते हैं। ओके, यहाँ पे भी हम लोग को ये ह्यूमन क्वालिटी एक देखने को मिलती है कि यहाँ पे है ना जो हम लोग यूजुअली रेड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि खाना चुरा के खाते हैं वो लोग। तो यहाँ पे हम लोग वो दिखा रहे हैं कि ओके अ थीफ टेक्स एंड अ कुक मेक्स करके। और यहाँ पे तू थीफ नहीं है, तू तो तू बना सकता है, कुक कर सकता है। तो यहाँ पे एक हम लोग वो बैरियर ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो कैरेक्टर का एक हाँ बैरियर है कि वो चूहा है वो ठीक है मतलब चुराता है पर वो अभी नहीं करेगा। और यहाँ पे उसका एक टर्निंग पॉइंट आता है इसकी लाइफ में क्योंकि ये मतलब यहाँ पे एक्चुअली एक डायलॉग भी है कि जो खाना बनाता है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, उसे खाना मिल ही जाता है। हाँ तो वो बहुत ही करेक्ट मतलब
एक यहाँ पे ये कैरेक्टर के इंस्पायरिंग है, लिए एक्चुअली इंस्पायरिंग है वो। भाई बहुत बहुत। और ये सीन भी मतलब बोले ना एक टाइप से इतना कनेक्टिव क्यों है, बिकॉज ये सीन है ना लोगों को कनेक्ट करता है, मतलब जो फीलिंग्स है, जो माउस जो फील कर रहा है और वो हाँ फीलिंग जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उनको देने के लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट तो राइट वो पोर्ट्रे कर पा रहा है, वो ये पूरा सीन पोर्ट्रे कर पा रहा है, हाँ लाइक द ऑडियंस कैन एक्चुअली फील व्हाट दैट माउस इज एक्चुअली द रेमी द माउस इज थिंकिंग। तो हाँ दैट्स द रीजन दिस सीन इज मोर इंटीग्रेटिंग टू ऑल ऑफ इट। हाँ अरे मतलब एक्सप्रेशन, ये आईब्रोज और एक्सप्रेशन इज वो सब। लाइक आई स्टिल बिलीव पिक्सार इज द गॉड ऑफ एक्सप्रेशंस, लाइक हाँ उनके जैसे एक्सप्रेशन कोई दूसरा स्टूडियो ट्राई भी नहीं कर भाई, सकता है। मैंने ड्रीमवर्क्स के वो फिल्म्स देखे और उसमें पता नहीं मजा नहीं आता जितना डिज्नी की फिल्म्स में आता, क्योंकि भाई एक्सप्रेशन एक एक फैक्ट है पता है, जब मॉडलिंग हो रही थी इसकी, जो ये हाँ रेमी है ना, हाँ रेमी द माउस, हाँ रेमी द माउस के फेस पे देर आर मोर देन 38 कंट्रोलर उसके एक्सप्रेशन कंट्रोल करने के लिए, लाइक बाप रे उसकी आईब्रोज कंट्रोल करने के लिए, उसके विस्क जो है वो हाँ कंट्रोल करने के लिए, देर आर मोर देन 38 कंट्रोलर ओनली ऑन हिज फेस, फेस बाप और रे पूरी ऑन पूरी बॉडी में अप्रोक्स कुछ 102 कंट्रोल्स टोटल। अरे बाप रे, मतलब बोन्स ही, मतलब सच बोन्स कितनी होगी और वो सब, मतलब बहुत ही वो Like लोग that's like oh, superb. Like that's the reason Pixar is on another level actually. उनका वही चीजों के लिए Pixar ऊपर है। हाँ वो जो अरे भी करता है एकदम परफेक्शन से करता है। हाँ इससे इससे और एक ये मैंने सवाल एक्चुअली लिखा था कि ये पिक्सार और डिज्नी कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता है एनिमेशन के लिए, क्यों इतने अच्छे, दूसरों से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनके, तो कौन से सॉफ्टवेयर यूज करता है एनिमेशन के लिए? सॉफ्टवेयर तो वही है कॉमन जो सब यूज करते हैं। डिज्नी के डिज्नी हैज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, बेसिकली डिज्नी के अंदर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, बट पिक्सार के ओके अंदर ओनली वन सॉफ्टवेयर यूज, दैट इज ऑटोडेस्क माया। अच्छा, माया में सब कुछ होता है ये एनिमेशन? एवरीथिंग इज माया, द ओके हेयर सिमुलेशन हो गया, फिर जो फायर है, फायर इफेक्ट हो गया, हाँ वो सब माया के अंदर हो सकता है, तो वो सब माया, पूरा का पूरा माया ही यूज करते हैं वो। ओ समझा, तो मुझे लगा था मैंने एक कि थोड़े मतलब टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट देखा था हाँ इसका रेटेटुई मूवी का ही था। मैंने ढूंढने की ट्राई की बट मिला नहीं, तो दे एक्चुअली शोड कि उन लोगों ने कैसे एनिमेट किया रेमी के विस्क और उसके आईज एक्सप्रेशन के करते हुए उन लोग, ओके और माया के अंदर ही कर रहे थे वो लोग। सो लाइक उन अच्छा लोग ने बताया था कि कैसे वो कंट्रोल हो रहा था वो, ओके तो मतलब माया ही वो लोग, मतलब एनिमेशन के लिए माया ही प्रिफर वो करते यूज हैं करते हैं। ओके रेंडरिंग के लिए। पिक्सार के पास अलग से उनका खुद का इंजन है, दैट इज रेंडर मैन करके। रेंडर हाँ मैन हाँ, उसके बारे में पिक्सार के पास खुद का उसका रेंडर है। ओके माया हाँ के अंदर जो उसका डिफॉल्ट रेंडर है वो आर्नल्ड करके है, दैट ऑल्सो गिव्स अ गुड लेवल ऑफ आउटपुट, बट पिक्सार जो स्टाइल में एनिमेट करता है हाँ और उनको जो कंट्रोल्स चाहिए ऑन द कलर्स एंड ऑन द कैरेक्टर्स कैरेक्टर डिटेल्स का, तो वो सब कंट्रोल्स ये रेंडर मैन के अंदर कर सकते हो वो लोग। एज ऑब्वियसली दे आर द क्रिएटर ऑफ द सॉफ्टवेयर, सो दे क्रिएटेड इट एज दे नीडेड इट। ओके ओके मतलब वो लोग रेंडर, खुद का रेंडर यूज कर रहे हैं, मतलब अपने हिसाब से वो रेंडर हाँ कर सके, कोई नो बट रेंडर लिमिटेशन मैन ना इज हो ऑल्सो उसके। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब हाँ काइंड ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, फॉर बेसिक थिंग यू यू कैन यूज इट फॉर फ्री, बट फॉर एडवांस एंड कमर्शियल पर्पसेस यू हैव टू लाइक ऑब्वियसली बाय दैट सॉफ्टवेयर, ओह दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन बाय इट, यू कैन जस्ट गो टू द रेंडर मैन वेबसाइट एंड यू कैन जस्ट बाय इट, यू हैव नो रिस्ट्रिक्शंस टू दैट। लाइक ओके हाँ पिक्सार इज लाइक इफ यू कैन क्रिएट व्हाट वी क्रिएट देन यू कैन जॉइन अस, दैट पिक्सार आर ऑफ दैट ओपन टू कोर्स अस। ये बहुत ही एक फर्क पड़ता है, एक कंपनी का क्या मिशन है, क्या विजन है उससे। तो वापस मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हम ये इसमें एक्चुअली काफी मैजिकल लाइटिंग भी है, जिस तरह का वो है गोल्डन लाइटिंग, और यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन भी दिया है, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंसी बना है, क्योंकि ये एक फिगमेंट ऑफ ये इमेजिनेशन, ऐसा वो
बोलता है कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो तुम्हारा इमेजिनेशन हूँ, मैं वैसा वो बोलता है, इसलिए आई थिंक ट्रांसपेरेंट बताया। और यहाँ पे भी वो लाइट सेपरेशन हेलो थोड़ा दिया है, यहाँ पे वार्म कलर्स है, यहाँ पे कूल कलर्स है, थोड़ा मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए। एक्चुअली ये चीज सिर्फ ये सीन का अगर मैं ब्रेकडाउन निकालू तो हाँ प्रॉपरली आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है, ये पूरा जो सीन है, ये पूरा फ्रेम जो आप देख रहे हो, हाँ इसमें जो एनवायरनमेंट है ना, वो हाँ पूरा का पूरा अलग रेंडर हुआ है, इट्स नॉट रेंडर ओ टुगेदर। ये जो जो पीछे ये एनवायर, सब है वो, हाँ वो पूरा का पूरा अलग रेंडर हुआ है। ओके ओके नो नो नो, नॉट 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 द जो फ्रेमिंग है ना, फ्रेमिंग हाँ नहीं, जस्ट जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, हाँ हाँ वो पूरा का पूरा रेंडर हुआ है डिफरेंटली, एंड देन उन लोग ने फ्रेम रेंडर करी पूरी, ओके देन जो रेमी है उसको रेंडर करा, एंड देन हाँ उसके हाथ में जो फूड है वो रेंडर करा, एंड अरे ये जो वाह पूरा गुस्टो का कैरेक्टर है वो हाँ अलग रेंडर करा, एंड देन उसको अच्छा कंपोजिट किया प्रॉपरली। ओ तो मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग वो लोग रेंडर करते हैं और फिर वो कंपोजिटिंग करके एक शॉट बनाते हैं वैसा। ओके हाँ, क्योंकि उनको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ना, अगर कोई राइट सीन ऐसा लग रहा है कि इन द 3D सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर लग रहा है, बट जब वो रेंडर होके बाहर आ रहा है एज अ फुल फ्रेम, तो यू कैन कंट्रोल, यू हैव टू री रेंडर इट। तो वो लोग क्या करते हाँ हैं, ये सब चीजें अलग अलग रेंडर करते हैं, एंड देन कंपोजिट करते टाइम अगर कुछ इशू हुआ और अगर कुछ सीन में गड़बड़ दिख रही है तो बाद में वो कंपोजिशन को वो थोड़ा ब्रशअप करते हैं, और अगर नहीं ओके हुआ तो फिर वापस री रेंडर तो करना ही उनको, मैंने एक्चुअली ऐसा होता है। कंपोजिटिंग की बात वो पद्मावत फिल्म ब्रेकडाउन में की थी कि किस तरह वो अलग अलग शॉट्स को वो लोग मर्ज करते हैं, पर इसमें भी इस तरह का होता है और मतलब ये बहुत होता है, बहुत, क्योंकि करना पड़ता है। हाँ द रीजन बीइंग जो जो रेमी द माउस है, हाँ उस अगर मैं मॉडलिंग वाइज देखूं तो देयर वुड बी मोर देन अ लैक ऑफ पॉलीगॉन्स जस्ट इन हाँ रेमी, राइट और अगर मैं गुस्टो का कैरेक्टर देखूं जो द बेस्ट द शेफ, हाँ उसके अंदर लाख भी नहीं, उससे भी ज्यादा होंगे, बिकॉज दैट्स अ वाह ह्यूमन, उसकी बॉडी फ्लेक्स हो रही है पूरी। हाँ तो अगर मैं जितने पूरा बैकग्राउंड है, फ्रेमिंग्स एंड एवरीथिंग, जितनी चीजें हैं बैकग्राउंड में, अगर मैं सब चीजों को साथ में रेंडर करने जाऊं तो मे भी मेरा जो रेंडर है वो अटक जाए वहां पे, वहां के वहां, बिकॉज हाँ देयर वुड बी मोर देन 80 लाख्स टू करोड़ पॉलीगॉन, वी कांट काउंट इट एट दैट मच। वही वही तो उतना अगर रेंडर करना है तो एक फ्रेम को अगर 15 मिनट देखूं रेंडर करने के लिए, तो 3 घंटे की मूवी मीन्स यू कैन काउंट 3 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60 फ्रेम्स मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड, अरे बाप रे लाइक नाइट, नॉट दैट वे, महीने एक अप्रोक्स साल कितना 36,000 फ्रेम्स, अप्रोक्स 36,000 फ्रेम्स बाप रे अप्रोक्सीमेटली, तो थर्टी थर्टी सिक्स सिक्स थाउजेंड फ्रेम्स मल्टीप्लाइड बाय 15 मिनट्स 15 मिनट्स बाप रे मतलब 36,000 इनटू मतलब बहुत बहुत एक फिफ्टीन बहुत महीने लग जाएंगे इस तरह तो महीने, एक बीस साल साल भी कितना 20 साल 20 साल बाप रे और मैं नॉर्मल रेंडर टाइम की बात कर रहा हूँ, तो दैट्स द रीजन दे डू इट सेपरेटली, वो पूरा का पूरा ओके अलग रेंडर करते हैं उसको। हाँ समझा मतलब एक-एक कैरेक्टर्स अलग होंगे एक-एक हाँ, तो बैकग्राउंड उनको अलग क्या, उससे उनको कंट्रोल्स भी मिल गए उसके प्रॉपरली, और जो कैरेक्टर्स है वो प्रॉपरली फटाफट रेंडर भी हो गए, राइट बिकॉज इन द होल मूवी रेंडरिंग इज द प्रोसीजर दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, मोर हाँ देन एनीथिंग इन द होल प्रोसेस, रेंडरिंग इज द मेन थिंग। समझा ओके अभी नेक्स्ट शॉट की ओर बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे एक्चुअली एनवायरनमेंट डिजाइन के बारे में। ये जब रेमी है वो जब वो एक्चुअली गुम हो गया वो नाले में देन बाहर निकलता है और फिर उसे फर्स्ट पता टाइम चलता है इन कि पेरिस, अरे मैं इतने सालों तक पेरिस के नीचे रह रहा था करके। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट है कि यहाँ पे बहुत एस्टाब्लिश हो जाता है कि ओके ये पेरिस है यहाँ पे आके लाइफ बन गई इसकी। और एक्चुअली मैं यही बात करना चाहता था कि ये जो एनवायरनमेंट डिजाइन है ये जो स्काई है या ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे दिख रही है दूर तक और ये सब 3D सॉफ्टवेयर में बनाते हैं या मैट पेंटिंग की जाती है इसकी। जो जो चीजें हम फ्रंट में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेमी जो ये इस पे बैठा है पूरा पूरा हाँ करेक्ट हाँ द हाउस, तो वो पूरा मॉडल्ड है। अभी ओके उसके आगे जहां तक ये जो लाइट का ही इन द सेंटर, या हाँ मैं आपको, मेरा माउस आपको दिखेगा नहीं,
हाँ उसके थोड़ा और नीचे तक, हाँ थोड़ा और नीचे करोगे ना, थोड़ा ये और नीचे, हाँ कर रहे कर रहे, ये जो लाइन है ना वहां हाँ तक वो पूरा 3D मॉडल्ड है। ओ ओके जस्ट आपको डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि वो जो पूरा पार्ट है ना, यू कैन सी क्लियर वो 3D है पूरा। लेकिन हाँ और जैसे जैसे पीछे आएगा, यू एक थोड़ा सा कुछ 3D नहीं दिख रहा है, 2D लग रहा है, बिकॉज वो पूरी चीज बाद में मैट पेंट की हुई है। हाँ ओके तो वो पूरा ब्लर भी किया है, तो थोड़ा ऐसा पत्थर चल रहा है बीच में। ओके वो फर्स्ट टाइम जब हम देखते हैं तो हम नोटिस नहीं कर पाते उसको, बट कोई जब एक्चुअली आपको बताएगा कि दिखा ये शॉट यहाँ पे 3D है और यहाँ से बाद में 2D चेंज हो रहा है, तब हाँ तो आपको ऐसा एक बाद में दिखने लगेगा कि हाँ भाई देखो इधर हो हाँ रहा है। एक्चुअली दिस हैपेंस, बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिसके अंदर होता है। तो ये लोग एक्चुअली मैट पेंटिंग तो काफी 2D रहता है या 3D मैट पेंटिंग्स भी रहती है? तो डिपेंड करता है कि सीन कैसा है एक्चुअल में कि क्योंकि बोलो। हाँ क्योंकि इसमें एक्चुअली पर्सपेक्टिव कुछ ऐसा है कि कैमरा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो होगा क्या कि होराइजन मेंटेन करने के लिए मैट पेंटिंग भी उस तरह का बनाना पड़ेगा नीचे तक और वो कि सब, तो वो लोग आप बनाते हैं वैसा मतलब पूरा 3D हाँ मैट पेंटिंग। 3D नहीं, 3D मैट पेंटिंग नहीं बोल सकते। वो क्या करते हैं, वो लोग ना मल्टीपल लेयर्स में काम करते हैं, तो वो जब एक्चुअली कंपोजिटिंग पे के टाइम आता है तो दे कैन कंट्रोल दैट लेयर्स एंड वो लेयर्स की पोजीशन, तो वो तभी ओके एनिमेट करते हैं, तभी वो होराइजन कंट्रोल करते हैं वो लोग। अच्छा ओके क्योंकि वही मैं कंफ्यूज हो गया कि ये कैमरा नीचे से ऊपर आ रहा है वो मैट पेंटिंग है, ये 3D है और स्काई अलग लेयर है, तो ये लोग कैसे मतलब मैनेज करते होंगे होराइजन कैमरा मूवमेंट और वो सब? ये सीन आधा 2D, उसका बेस्ट एग्जांपल दो, सी यू सी दैट, वो रोड दिख रहा है आपको, कौन सा ये? हाँ उस पे जो कार्स देखो, ध्यान से उसकी कार से जूम करके देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा कि वो रियल कार्स है, और वो जो शॉट वो रियल कार्स है, और उसका वो फोटो है, वो एक्चुअली वो 3D नहीं है, ओ ओके मतलब जस्ट आगे का जो सीन है वो 3D है, बिकॉज हाँ वो इंटरेक्ट कर रहा है उधर की लाइट्स और ये सब के साथ, और राइट उसको 3D दिखाना है इसके लिए। हाँ ओके मैट पेंटिंग इज अ लाइक वो इट्स अ ग्रेट प्रोसेस वाइल क्रिएटिंग अ एनिमेटेड फिल्म एज वेल एज योर लाइव एक्शन मूवीज, यस यस बिकॉज विदाउट मैट पेंटिंग इट्स लाइक कि पूरा का पूरा सीन्स हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉट इवन इन 3D एंड नॉट इवन इन एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर एक्चुअली, बिकॉज हाँ पूरा सिटी क्रिएट करना लाइक बहुत सालों लग जाएंगे वो सिर्फ ओनली सिटी क्रिएट करने के लिए। दैट्स वही वही द रीजन मैट पेंटिंग बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है ये सब शॉर्ट्स और ये सब चीजों में। जी मैंने ये वही कवर किया था ये द ग्रैंड बुडापेस्ट होटल के ब्रेकडाउन में, क्योंकि उसमें बहुत मैट पेंटिंग वो लोग ने यूज किया है। तो एक मिनट हम लोग अभी नेक्स्ट शॉट पे आते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये शॉट मुझे चाहिए था, ये शॉट पे मैं बाद में आऊँगा या ये पहले एक्चुअली करते हैं। तो और ये एक्चुअली एक इमोशनल ब्रेकडाउन का एक सीन है जहाँ पर मतलब ये शेफ जो है लिविनी, इंग्विन तो उसका टेस्ट होने वाला है अगले दिन और एक्चुअली वो कुकिंग उसे आती नहीं है, पर ये रेड को कुकिंग आती है रैमी को। तो ये बहुत ही एक यहाँ पे भी एक जो बैरियर है ह्यूमन एंड नेचर का वो भी यहाँ पे कट हो जाता है कि मतलब ये एनिमल्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं ये सिनेरियोज में ह्यूमंस को। तो ये यहाँ पे एक आके ये बात रुक जाती है कि हेल्प या लॉयल्टी की जो बात है या फ्रेंडशिप की जो बात है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और उस तरह की लाइटिंग भी है क्योंकि एक कैरेक्टर्स लीड कर रहे हैं, ये जो कंपोजिशन कुछ इस तरह की है और देन गोल्डन लाइट है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक गोल्डन लाइट्स है ये जो स्ट्रीट लाइट का आ रहा है, और देन पीछे पूरा जो नाइट स्काई ब्लू है तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट हम लोग को मिल जाता है एकदम, और ये यू सी काफी अगर ये लोग चाहते इफ हाँ द पिक्सा पीपल वुड हैव थॉट, तो ये जो ये सीन को दूसरे पर्सपेक्टिव से लेते, अगर इफ हाँ दूसरे पर्सपेक्टिव से यही सीन लेते थे तो हाँ उनको बैकग्राउंड डालना पड़ता था, मतलब जो राइट बैकग्राउंड जो ब्लैंक अभी था वहां पे ब्रिज डालना पड़ता था, हाँ तो अवॉइडिंग ऑल दोस थिंग उन्होंने पर्सपेक्टिव भी ऐसे सिलेक्ट किया हाँ और उन्होंने सीन भी ऐसा सिलेक्ट किया जिसके अंदर वो सब एलिमिनेट हो जाए, तो हाँ वो उधर मॉडलिंग टाइम भी सेव हुआ, इन द फ्यूचर रेंडरिंग टाइम सेव हुआ, फिर टेक्सचर हाँ आर्टिस्ट के लिए वो सब चीजें सेव हो गई ये और बहुत सीन ही इम्पोर्टेंट भी बात रेडी बन बोली गया। अभी एक्चुअली।
हाँ हाँ एक एक्टर देख रहे हो, लिंगुइनी का एक्टर देख रहे हो? हाँ लाइक फैक्ट नहीं है बट जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव है कि पीपल थिंक नॉर्मली जो 3D आर्टिस्ट होते हैं, जो अभी न्यू न्यू बीज होते हैं, जब नए नए आते हैं या फिर जिनको 3D के बारे में पता है थोड़ा बहुत, तो उनको लगता है कि जो कैरेक्टर है उसको एक ही बार उन लोग को मॉडल करना पड़ता है और फिर ऑटोमेटिकली वो कैरेक्टर के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। ये जो लिंगुइनी का ये वाला कैरेक्टर है हाँ और दूसरा वाला जो कैरेक्टर है जो नॉर्मली सूखा है, मतलब काइंड हाँ ऑफ इन दिस वो रिवर के अंदर कूदता है माउस को बचाने के लिए, हाँ राइट राइट? तो अभी राइट दूसरे चीज के अंदर वो सूखा है, तो वो कैरेक्टर दो अलग अलग कैरेक्टर के लिए मॉडल किए हैं, बिकॉज इसके ओ अंदर आप देख रहे हो उसके बाल उसके बॉडी से चिपके हुए, और उसके अंदर हाँ उसके बाल बॉडी के अंदर से चिपके हुए नहीं थे, तो हाँ राइट दैट राइट ऑल दोस थिंग्स वो सब उसे उन लोग को रीमॉडल करना पड़ता है। तो ये कपड़े भी वेट है, देन नाक पे भी वो हाँ पानी का जो शाइनीनेस है वो सब, ग्लॉसीनेस, ग्लॉसीनेस है। हाँ तो ग्लॉसीनेस और वो सब वो लोग अलग टेक्सचरिंग करते हैं, और वो हाँ मॉडल ही अलग रहता है मतलब। पूरा मॉडल ही अलग रहता है इंक्लूडिंग द टेक्सचर्स, ओके ओके बिकॉज ये समटाइम्स यू नीड, बिकॉज हर चीज से हो नहीं सकती है राइट हाँ इसके लिए। और ये जो नेक्स्ट शॉट है ना, यहाँ पे मुझे बहुत ही प्लेफुल सीन है जहाँ पे ये लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ये एक्चुअली उसे पता चलता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ लिंग्विनी को, रेमी को पता चलता है कि उसके बाल खींचूंगा तो उसका हाथ ऐसा ऐसा होगा, और देन हाँ वो उसे कुकिंग सिखाता है। तो यहाँ पे ये लोग ये है कि एक एनिमल्स भी, ये नेचर और वो सब है, वो भी ह्यूमंस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर ह्यूमन अलाउ करे तो ये बहुत ही डीप एक मैसेज है। डीप और सीन है। वही वही और यहाँ पे वो लोग प्रैक्टिस करते, काफी प्लेफुल है। तो ये कोई सोसाइटी है, फिल्म सोसाइटी, उसमें स्टडी करते वक्त एक्चुअली वही कहा ब्रैड बर्ड के बारे में कि वो प्लेफुल फिल्म मेकिंग, अगर आपको कुछ सीखना है उसके बारे में तो ब्रैड बर्ड की फिल्म्स देखिए, क्योंकि हाँ ये सीरियसली वही क्योंकि मतलब प्लेफुल फिल्म मेकिंग है, हमें मतलब यार वही मतलब फन फन में सही, फन एक लर्निंग। भी है, एक वॉच देखने के लिए भी एक अलग ही मेजमराइजिंग सीन है पूरा, हाँ लाइक इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक सीन, लाइक जब रेमी स्माइल कर रहा है तो वो स्माइल अपने फेस पे भी आ जाती है, राइट राइट ऐसा है। हाँ टेक्निकल डिटेल बताओ, इमोशनली अगर हटू मैं थोड़ा और टेक्निकली मैं बताऊँ हाँ तो जो हेयर देख रहे हो ना आप जितने, हाँ ये सब हाँ वो सब रियल हेयर है, रियल इन द रियल सेंस हेयर्स, मॉडल मतलब करे, मॉडल करे इन एक शॉर्ट एक पूरे के हेयर पूरे का मॉडलिंग है एक एक उनका। हेयर स्ट्रैंड्स। अरे या बाप रे इवन जो माउस जो रेमी है अपना मेन हाँ कैरेक्टर, हाँ उसकी बॉडी पे जितने हेयर है हाँ वो सब उन लोग ने मॉडल करे है। बाप रे देर आर मोर देन अ मिलियन हेयर स्ट्रैंड्स ऑन बोथ ऑफ देम, बाप रे मोर देन दैट। बाप रे तो ये लोग को तो मतलब हालत खराब हो जाती होगी। ये बहुत मतलब ये डायनामिक में आता है, मतलब ये एक बार हेयर बना दिए तो वो अपने हिसाब से फ्लो करेंगे या वो लोग उसका भी एनिमेशन करना पड़ता है मैन्युअली। नहीं, इट डिपेंड्स, एक्चुअली इट डिपेंड्स, लाइक व्हेन दिस मूवी वाज क्रिएटेड तो उस वो टाइम पे उनके पास उतने कंट्रोल्स नहीं थे हेयर कंट्रोल्स कि वो ओके ऑटोमेटिकली डायनेमिकली कंट्रोल हो रहे हवा की वजह से और चीजों की वजह से, तो दे यूज्ड टू हैंड एनिमेटेड, अरे बाप वो रे उनके पास कुछ था नहीं, ऑप्शन नहीं था। बट एट दिस रीसेंट पॉइंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उस पे डायनेमिकली वी कैन चेंज है। हाँ राइट आई एक्चुअली डिड इट, सो आई कैन से कि ओ डायनेमिकली हेयर कंट्रोल कर सकते हैं हाँ हाँ हवा से, मूवमेंट से, और कर सकते हैं कंट्रोल। वही। और इसमें वही प्लेफुल फिल्म मेकिंग क्या कि मतलब अगर नॉर्मल कोई डायरेक्टर होता वो बोलता कि ओके हाथ हिलाना है तो कैसे हिलाएगा, एक चूहा हाथ में दौड़ के रहेगा उसको ऐसा करने बोलेगा, पर ये कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है कि बाल का वो स्ट्रैंड वो हाँ खींचता है और उस हिसाब से हाथ पैर और वो हो रहा है, तो ये अलग कॉन्सेप्चुलाइज करना, अलग तरीके से सोचना, वही एक प्लेफुल फिल्म मेकिंग है। और अगर लाइव एक्शन भी देखे ब्रैड बर्ड्स की फिल्म ये टुमॉरोलैंड और मिशन इम्पॉसिबल 4, तो मिशन नो इम्पॉसिबल की दूसरी सारी फिल्मों में बहुत ही लॉजिकल रहता है, इसमें तो मिशन इम्पॉसिबल 4 में इतना मतलब मतलब एक इलॉजिक
इलॉजिकल एक है, और देन उसमें भी एक लॉजिक मतलब बैठ लॉजिक जाता है, और बनाया वो हुआ प्लेफुल है। जैसे बुर्ज खलीफा से कौन कूदता है और मतलब कूदा तो भी कितना मतलब लॉजिकल लगता है वो देखने में, और हाँ कितना क्या कहेंगे, बहुत ही इंटेंस सीन लगता है वो। तो यही एक्चुअली इसलिए मैंने ये शॉट डाला, क्योंकि ये प्लेफुल एक सीन है और एक छोटा सा मैसेज भी है। ओके, ये जो शॉट है यहाँ पे, उसके पापा उसको बोलते हैं, रैमी के पापा की यहाँ इंसान चूहे के साथ क्या करते हैं। हाँ वही कि मतलब तू जितना क्लोज होगा इंसानों से, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब ऐसा कुछ कर देंगे। और ये बहुत ही मतलब यहाँ पे वापस एक बैरियर आ जाता है कि मतलब ह्यूमंस आर ह्यूमंस, रैट्स आर रैट्स करके, मतलब ये मतलब अलग ही दुनिया है, अलग गोल्स है सबके, अलग वैल्यूज है, अलग तरीके की एबिलिटीज है। पर यही एक फिल्म में, ये एक एनिमेशन फिल्म में यही है कि वो एबिलिटीज हम लोग को एक एक पावर दे देते हैं हम लोग कैरेक्टर को, कि वो एबिलिटी अलग तरह की एबिलिटी उसमें आ रहा है। और ये वही ये काफी एक डीप सीन है, क्योंकि पहले हम लोग देखते हैं इसमें तो ये ह्यूमन को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यही ह्यूमंस जो है वो उसके ही दोस्तों को इस तरह से मतलब ये लोग मारे जा चुके हैं, ये सारे रैट्स। तो मतलब एक छोटा सा एक वॉर है मतलब नेचर और ह्यूमंस के बीच में, और वही काफी डार्क सीन है, काफी डार्क लाइटिंग है। तो ये भी एक्चुअली पूछना था कि हाँ क्या क्या, एक चीज है जो पीछे वाला सीन था वेर वी सॉ इट कि वो कंट्रोल कर रहे हैं लिंग्विनी को दिस वन, एंड देन ये वाला सीन है उसमें वे ऑफ थिंकिंग है, बिकॉज इन दैट सीन द रेमी इज एक्चुअली थिंकिंग दैट आई एम हेल्पिंग दिस ह्यूमन टू एक्चुअली अचीव समथिंग, एंड योर लिंग्विनी द रेमी इज नॉट थिंकिंग दैट हाँ भाई लिंगविनी ने ये सबको मारा और एनी ह्यूमन हैव किल्ड इट, बिकॉज रेमी इज नॉट थिंकिंग दैट हिज फादर हु हैज अ डिफरेंट थिंकिंग इज सेइंग दैट नाउ, अभी ये उसका वे ऑफ नेचर था कि उसको क्या करना था, भाई भाई डिसीजन मेकिंग जो बोलते हैं एक टाइप से हाँ कैरेक्टर डिसीजन मेकिंग, तो हाँ वो ब्रैड बर्ड ने ये सीन में डाला था कि राइट वो कैरेक्टर क्या करना चाहता है उसकी लाइफ के साथ, भाई तो दैट डिसीजन मेकिंग वो जो प्रोसेस है ना दैट्स माय फेवरेट थिंग अबाउट ब्रैड बर्ड कि वो कैरेक्टर को पावर देता है डिसीजन करने के लिए, दैट्स हाँ भाई। और ये द गुड थिंग अबाउट दैट। भाई मतलब ये एक एबिलिटी है एनिमेशन में कि हम लोग कोई भी कैरेक्टर्स को एक एबिलिटी दे सकते हैं, मतलब जैसे कि फाइंडिंग नीमो है यार, मतलब उसपे क्या मतलब स्टोरी है, या टॉय स्टोरी, टॉयज को हम लोग ने एबिलिटी दे दी जिंदा होने की, तो जिंदा हो जिंदा गए। होने है मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये जो एबिलिटीज है, चाहे वो ब्रैड बर्ड ने ना भी बनाई हो, पर एक ये एनिमेशन पिक्सार का ये एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। एक मिनट स्क्रीन वापस शेयर करता। नेक्स्ट शॉट पे अगर आते हैं तो ये आई थिंक मैंने बीच का ये सब एक्चुअली नहीं लिया कि वो लोग बना रहे हैं और सक्सेस, आई थिंक वो मैंने नहीं लिया। आई थॉट कि वो मतलब इम्पोर्टेंट तो था, पर उसका ब्रेकडाउन इतना मतलब डिटेल में नहीं होता। और एक्चुअली ये है ना मैं तो बोलूँ लेना चाहिए, एक हाँ वीडियो खत्म होने के बाद है ना क्या करते हैं वो मूवी का एक स्पेसिफिक शॉर्ट है ना वो देखते हैं सिर्फ, हाँ राइट राइट और अभी भी हम वो लोग एक बार देखते हैं एक्चुअली उसमें ब्रेकडाउन देख बताओ सकते हैं। अगर। मैं एक मिनट सॉरी, एडिटिंग में मैं कर दूंगा मतलब बीच बीच में शॉर्ट्स, या अभी देख सकते हैं हम लोग अगर कोई ये ऐसा पर्टिकुलर। करते हैं ये पूरा खत्म करते हैं और फिर वो चालू कर देते हैं, वो ओके चालू कूल कर देते हैं, कूल ओके ऐसा करते हैं। हाँ, ये एक्चुअली वही था, एनवायरनमेंट के लिए मैंने ये लिया था कि ये लोग एक कैसे। चीज पता है ये फैक्ट है कि ये जो घर है जहां से ये आईफिल टावर प्रॉपरली दिख रहा है रेमी को और हाँ लिंगविनी को, ये एक्चुअल एक स्टेट है, मतलब स्टेट इन द सेंस ये एक्चुअल एक एरिया है जहां से आईफिल टावर ऐसा दिखता है, जो ओके री ये वही हॉट ये वही होटल का एक सीन है जहां से रेमी और लिंग मतलब जहां पे पूरी क्रू रुकी थी और उनको अच्छा, वहां से आईफिल टावर का ये व्यू मिला था अरे बाप रे, इसलिए बोलो ऐसा ले लिया। इसलिए। हाँ और ये बहुत है ना बहुत कनेक्टिव था ये पूरा, क्योंकि
मतलब जो आईफिल टावर जो बेस आईफिल टावर दिख रहा है एकदम, हाँ बोलते ना एक एक सिंबल ऑफ लव आईफिल टावर हाँ बोलते हैं हाँ काइंड इसलिए ये सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप भी है इसके लिए, हाँ फ्रेंडशिप है एंड देन आईफिल टावर दिखता है, राइट राइट इसके लिए ये सीन है ये यहाँ पे। हाँ बहुत ही मस्त है, और ये काफी गोल्डन, काफी सॉफ्ट लाइटिंग है, काफी सुबह का सीन है और काफी प्लेजेंट एटमॉस्फियर है, काफी प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। और यहाँ पे जब हम लोग एंटोन ईगो का कैरेक्टर देखते हैं तो उस हिसाब से लाइटिंग, उस हिसाब से जो मीजो सीन है, जो कलर पैलेट है, वो सब चेंज हो गया, काफी डार्क, काफी हाई कंट्रास्ट वाला हम लोग को देखने को मिलता है। और हम लोग को तभी पता ही नहीं चलता कि ये एंटोन ईगो है कौन, बाद में पता चलता है कि ओके ये फूड क्रिटिक है, जिसने मतलब एक फूड क्रिटिसिज्म बहुत जिस सारा भाई मतलब एक फैक्ट पता है, यही हाँ सीन का एक फैक्ट बताओ, क्या 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 सीन ऑन रखो मैं बताता हूँ। अच्छा अच्छा ये जो ओके एक हाँ एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटोन ईगो हाँ ऐसा बताया गया था, दिस इज द फूड क्रिटिक हु हैव रुइन्ड द लाइफ ऑफ मेनी रेस्टोरेंट्स एंड शेफ। हाँ बहुत सारे उसने रेस्टोरेंट बंद करवाए हाँ जहाँ का फूड उसको नहीं पसंद आया। राइट इफ यू लुक प्रॉपरली उसका जो ऑफिस है इट्स इन द शेप ऑफ अ कॉफिन। ओ शिट हाँ ये मैंने नोटिस ही नहीं किया। हाँ रे या शिट बिकॉज़ हाँ ही यूज्ड टू एक्चुअली नॉट किल पीपल, नॉट पॉस हिमसेल्फ हाँ इज नॉट गोइंग किलिंग पीपल, बट ही इज किलिंग द ड्रीम्स ऑफ अ रेस्टोरेंट ओनर्स बिकॉज़ द ओ रेस्टोरेंट इज शटिंग डाउन। दैट्स द रीजन ये उसका ऑफिस एक कॉफिन शेप का उन लोगों ने क्रिएट किया। अरे बाप रे, मतलब कितनी सटल चीजें हैं, मतलब लोग नोटिस करें या ना, पर ये एक मतलब सटली मैसेज, सबकॉन्शियसली मैसेज पहुंचाने का एक देते हैं वो हाँ है, ये नहीं पता था फैक्टर, और बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल ये एक मैसेज दे दिया ये इसने। जब पता चलता है ना तब कुछ अलग ही सीन का पूरा अलग वे ऑफ लुकिंग हाँ सीन की तरफ वे ऑफ लुकिंग पूरा बदल जाता है। राइट राइट तो ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि लाइटिंग और मतलब वो सब पूरा लाइटिंग और ये अलग था, अलग था। लाइटिंग के लिए पिक्सार इज लाइक ओ गॉड, हाँ लाइटिंग एंड एक्सप्रेशंस लाइक सीरियसली पिक्सार, हाँ उनके लाइटिंग आर्टिस्ट को मेरे को मिलना है यार। भाई किधर हो तुम लोग, आओ भाई थोड़ा सिखा लो भाई, 1 घंटा भी सिखा तो बहुत है। यार ये सब लोग इंस्टीट्यूट तो बुलाने चाहिए यहाँ से लोगों को, पर ठीक है काश जिस हाँ दिन बुलाओ उस दिन पहला मैं जाऊंगा। अच्छा ये एक सीन है, ये मैं इसलिए लिया कि प्लेफुल थोड़ा मतलब हम लोग मतलब जब कोई भी सीरियस सीन या दिखाते हैं तब मतलब ये एक अलग स्टाइल है फिल्म मेकिंग की, यहाँ पे कुछ सीरियस कन्वर्सेशन चालू है और यहाँ पे एक अलग मस्ती चालू है, मतलब हम लोग ने इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिया है और ये सीरियसनेस, दोनों जगह इम्पोर्टेंस है। हाँ मतलब एक अलग डिस्कनेक्ट है वो सीरियसनेस में भी, मतलब कट कट होता है, मतलब सीरियस है वो सीन और कट टू सब लोग छुप रहे हैं, अरे ये लिंग भी नहीं आ गया, छुपो छुपो, और देन वापस कट टू ये लोग का कन्वर्सेशन और कट टू ये खार और फनी वे में और ऐसा, तो ये भी एक प्लेफुल फिल्म मेकिंग स्टाइल है, इसलिए मैंने ये लिया था, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब हम लोग कट करके कैसा दिखा सकते सीरियसनेस और जंप कर सकते एक्चुअली उसके उन्होंने बीच में। ये सीन को ऐसे क्यों किया उसका रीजन था, ये एक्चुअली ब्रैड बर्ड ने ये जब रेटाटुई की पूरी ये निकाली थी बाहर मेकिंग, अच्छा तब मेकिंग बताया ओके था कि हाँ हाँ तो उसने बताया था कि ये वाला जो सीन है उसके अंदर पूरा का जो पूरा सीन कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा था, ओके इमोशनल थोड़ा बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था मतलब, और डिस्कनेक्ट कुछ था नहीं उसके अंदर, और उतना ज्यादा इमोशनल करना नहीं था उनको ये सीन, क्योंकि राइट उनको बाद में ये भी बताना था कि भाई उसके फ्रेंड्स आए और अंदर से खाना चुरा रहे, हाँ ये भी बताना था उनको, राइट तो उनको बीच में कुछ ऐसी चीज डालनी थी जिससे लोगों को थोड़ा हंसी भी आए और यहाँ एक साइड थोड़ा इमोशनल भी हो, हाँ लेकिन एंड में पूरा
दोनों के दोनों जो फीलिंग्स है, इमोशनल एंड चीट वाली फीलिंग, वो दोनों निकल के कॉमेडी कॉमेडी चीज में टर्न हो जाए, तो हाँ, इसके लिए उन लोग ने ये पूरा सीन अंदर डाला। थोड़े मिक्स्ड इमोशन रहे, मतलब वो जो सीरियसनेस थी वो भी रहे, मतलब हाँ, और ये तो थोड़ा सा एक अलग अलग फीलिंग भी आए उनको हाँ माइंड में, भाई। ये चीज की वजह से। आई थिंक नेक्स्ट शॉट कौन सा था, ये आई थिंक इसके लिए ही था कि मतलब यहाँ पे एक होप का एक डिस्ट्रक्शन हो रहा था इसको, जब पता चलता है कि ये खाना चुरा रहा था, तो तब वो बोलता है कि मतलब निकल जा करके, इलिंग भी नहीं बोलता, तब मतलब यहाँ पे एक उम्मीद टूट रही है वैसा हम लोग देख रहे, मतलब एक्सप्रेशन और हैंड जेस्टर्स भी, मतलब हम लोग कर भी क्या सकते, हम लोग तो रेड है करके, और हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे मैसेज है कि मतलब हम लोग, मतलब इतना पूरा फिल्म में ये लोग, ये इतना होपफुल था, इतना मतलब एक ड्रीम था उसका कि कुछ करने का, और वो कर भी रहा था, पर देन यहाँ पे आके ये प्री क्लाइमेक्स है थोड़ा, कि यहाँ पे आके एक हो रहा था कि अरे हम लोग कर भी क्या सकते, हम लोग तो सिर्फ रेट्स है, तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब इस तरह का एक वापस हम लोग एक पॉइंट पे आ जाते, एक कैरेक्टर ब्रेक कर देते कि अरे ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिया, और देन वापस उसे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिया, हाँ ये अभी रेड है, इसका कोई पावर नहीं है, ये अभी नियत्ता हो गया, ये लाचार हो गया करके, ये बहुत ही ब्यूटी है ये सिनेमा की, और हम लोग कैरेक्टर्स के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं यार, और एनिमेशन में तो वी हम लोग क्या क्या कर कैन डू सकते हैं। एनीथिंग, बिकॉज हम लोग ही कैरेक्टर क्रिएट कर रहे हैं, हम ही कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, कैरेक्टर के एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग वी आर कंट्रोलिंग, सो वी कैन मेक हिम डू एनीथिंग व्हाट वी वांट टू। जो पुराने कार्टून होते थे के अंदर वो नीचे नहीं गिर लाइक वो कौन सा रोड रनर करके कार्टून रोड आता था रनर, आई रोड गेस, रनर, हाँ उसमें वो रोड रनर और उसको पकड़ने के लिए पहाड़ पहाड़ के आजू बाजू कूदते थे वो लोग, तो जब हाँ तक वो नीचे नहीं देता तब तक वो गिरता नहीं गिरता था। नहीं था, हाँ हाँ, राइट राइट, तो दैट ऑल दोस कंट्रोल्स वी कैन एक्चुअली हैव इट इन 3D, हाँ वी कैन हैव दैट कंट्रोल, राइट, इसके लिए वो उतना ये कर सकते हैं वो। अभी लाइव एक्शन में कंटिन्यू मतलब लिमिट होती है, मतलब हम लोग की लिमिट होती है, फिजिकल लिमिट होती है, यहाँ पे हम लोग जैसे कि इनक्रेडिबल्स भी है ब्रैड बर्ड का, उसमें वो स्ट्रेच हो जाती है, वो जो वुमन है वो कुछ भी उठा लेता है वो मिस्टर इनक्रेडिबल, तो ये मतलब वो भी है, मतलब इमेजिनेशन की भी कोई लिमिट नहीं है एनिमेशन। एक ये इनक्रेडिबल्स और इनक्रेडिबल्स 2 दोनों ब्रैड बर्ड की मूवीज है। हाँ डू यू नो व्हाई डिड ही एक्चुअली क्रिएट दोज मूवीज, देयर इज अ फैक्ट बिहाइंड इट, क्या क्या लाइक उसने ही थॉट ऑफ इट कि एवरीवन इज क्रिएटिंग अ सुपर हीरो मूवी, एक एनिमेटेड सीरीज है, हर हर अभी मार्वल वाज कमिंग अप विद मोर एंड मोर ऑफ न्यू कंटेंट, स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज आ रही थी, हाँ आयरन मैन की सीरीज आ रही थी, हल्क की सीरीज आ रही थी, हाँ एवरीथिंग एनिमेटेड, राइट राइट बट दे सब लोग सुपर हीरो की लिमिट्स एनिमेटेड सीरीज बना रहे और उनकी लिमिट्स बता रहे, हाँ बट कोई भी सुपर हीरो की लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो नहीं शो कर रहा है, हाँ तो पर्सनल दैट प्रॉब्लम्स हाँ हाँ दैट पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड इवन देयर सुपर हीरो लाइफ प्रॉब्लम्स, तो वो चीज उसने माइंड में रख के इनक्रेडिबल्स की फिर स्टोरी लिखी। ओके समझा, वो तो अलग ही लेवल की फिल्म है, हम लोग उससे मतलब कोई भी फिल्म के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, इतना इतनी अच्छी इनक्रेडिबल फिल्म लाइक है बहुत मस्त है सच में, वो लाइक इनक्रेडिबल हाँ सीरियसली एंड सीरियसली मैं तो क्वेश्चन मेरा पिक्सार को ये है कि उन्होंने 14 साल क्यों लगा इनक्रेडिबल्स 2 बनाने में, अब तक तो इनक्रेडिबल्स 4-5 आ गया होता, पर आई थिंक वो बहुत टाइम लोग लगा। कुछ हेयर पे काम कर रहे थे, कुछ कपड़े के वैसा कुछ मैंने पढ़ा था, कुछ कपड़े नहीं के कपड़े डिटेल्स। कपड़े के डिटेल्स पे काम कर रहे थे, वो कपड़े रियल लगने हैं इसके लिए वो काम कर रहे थे उस पे अच्छा मेन प्रॉब्लम नहीं, तो वो चीज पे तो वो लोग ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे थे, हाँ वो ऑलरेडी बहुत टाइम बहुत पहले से काम कर रहे थे वो चीज पे, बट क्या हुआ कि इनक्रेडिबल्स 2 के टाइम उनके पास जो नए ग्राफिक कार्ड्स आए और नई हाँ टेक्नोलॉजीज जो उनके अप्रोच में आई, तो हाँ उसकी वजह से वो और अच्छा हुआ पहले से, तो राइट राइट उन्होंने बाद में वो प्रॉपरली वैसे करना स्टार्ट किया, तो एक्चुअली एक्चुअल अगर रिलीज देखे हम नॉर्मली तो
हाँ मे भी चांसेस था कि 2016 में ही बाहर आ जाती पूरी मूवी विदाउट एनी इश्यूज, 15 16 में ही आ जाती, बट उन्होंने बोला कि नहीं इतना परफेक्शन से कर रहे हैं तो भले थोड़ा एक्स्ट्रा लेट हो तो हम थोड़ा और लेट करते हैं, और जो क्लोथ्स और वो सब है वो सब वैसे क्रिएट करते हैं जैसे हमने एक्चुअली प्लान किया. ओके तो दैट टुक आल्सो मोर 2 इयर्स, इसके लिए उन लोग ने अब भी निकाला फिर. मतलब ग्रेट फिल्म्स है, ब्रैड पिट की सारी फिल्म्स ग्रेट है. मैं वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आई थिंक ये मुझे दिखाना था कि ये मतलब रे ऑफ होप भी हम लोग इस तरह क्रिएट कर सकते हैं का मतलब. और ये 3D सॉफ्टवेयर में किस तरह होते हैं, ये अलग रेंडर करते हैं ये लोग ये सब चीजें? नहीं, एक्चुअली अलग रेंडर नहीं होता ये, लाइटिंग और ये सब जो होती है वो एक ही सीन में रेंडर करना पड़ता है उनको. अभी ये जो पूरा सीन जो देख रहे हो वो पूरा का पूरा एक ही फ्रेम में रेंडर हुआ है एक साथ, बिकॉज़ देयर इज नो बैकग्राउंड इन दिस, नो फॉरग्राउंड इन दिस, जस्ट द थिंग यू आर विजिबल, यू आर सीइंग दैट इज विजिबल टू यू, उतना ही रेंडर करना है इसके लिए. एंड नाउ जो आप प्रॉपरली अगर ये सीन को देखो यू कैन सी कि जो एरिया है जहाँ पे लाइट ऑफ होप नहीं है हाँ. और जो बाकी का एरिया है उसमें भी थोड़ा फॉगिश दिख रहा है, वो फॉगी दिख रहा है यहाँ पे. तो उन्होंने क्या किया है, ये पूरा सीन क्रिएट करने के बाद एक वॉल्यूमेट्रिक फॉग का एक ये होता है, लगिन नहीं बोल सकते उसको बट एक लाइटिंग का टर्म होता है, वॉल्यूमेट्रिक फॉग होता है एक, तो वो लोग डालते हैं इसके अंदर और उसके बाद एक ऐसे वे से लाइट एंटर करवाते हैं कि वो लाइट विजिबल हो जाती है वॉल्यूमेट्रिक फॉग के अंदर. तो दैट इज दैट द लाइट इज विजिबल इन दिस. अच्छा, क्योंकि ऐसी सब चीजों के लिए फॉग इम्पोर्टेंट है. हाँ, वो तो है क्योंकि लाइव एक्शन में भी फॉग वो लोग क्रिएट करते हैं देन हार्ड लाइट सोर्स देते हैं, पर देन इसमें मतलब ये शाफ्ट ऑफ लाइट क्रिएट करना मतलब 3D में मुला कि ये लोग कुछ अलग से उसे रेंडर करते होंगे या क्या, पर ये लोग वैसे ही मतलब अलग करते हैं सिनेमेटोग्राफी. वे तो सेम ही है लाइव एक्शन में, कैसे हार्ड लाइट नॉर्मल लाइट है इसके अंदर भी लाइट ही है, हम लाइट प्लेस करते हैं और वहां से एक स्पॉटलाइट का इंटेंसिटी हाई करके उसको भेज देते हैं. ओके, सेम ही है मतलब अप्रोच. ओके, यस, सेकंड आल्सो अप्रोच अगर करना है तो सेकंड अप्रोच भी होता है उसके अंदर कि एक प्लेन सेट करके उसको एक ऑपेसिटी के साथ एक ये सेट कर दिया, फोटोशॉप के टेक्सचर क्रिएट किया फोटोशॉप के अंदर और एक प्लेन डाल के वहां पे ये कर दिया, प्लेस कर दिया, बट दैट विल स्टॉप दिस जो यहाँ पे जो राइट साइड पे जो लाइट का जो शेडोज और सब दिख रहा है वो सब फिर नहीं दिखता. ओके ओके, तो उसको उन लोग को फिर कुछ और करके कुछ करना पड़ता. राइट, समझा, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो रहा था. हाँ समझा. ये नेक्स्ट शॉट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक एंटोन ईगो का एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसका ईगो का खत्म हो रहा है. ये शॉट के बारे में पूछना है कि लाइव एक्शन में लोग कैसे करते हैं, क्योंकि ये शॉट मैंने देखा कि बहुत लोग लाइव एक्शन में करते हैं. ये ऐसे डॉली ज़ूम है, वो डॉली ज़ूम. हाँ डॉली ज़ूम, या करेक्ट, वो कैसे एक्चुअली करते हो तुम लोग, बिकॉज आई वॉन्ट टू रेप्लीकेट इट इन 3D, मुझे सीखना कि कैसे तुम लोग कुछ करते हो, तो मैं एक्सपीरियंस वो थोड़ा एक्सपीरियंस गाइडेंस देके उसको 3D में. मैं शॉर्ट पे समझाता हूँ क्या होता है. ये है ना, स्टार्ट किया था अल्फ्रेड हिचकॉक नाम के डायरेक्टर ने, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था वर्टिगो नाम की एक फिल्म में ये फर्स्ट यूज किया था, बहुत ही पुरानी फिल्म है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी. प्लेन क्रैश समथिंग? नहीं, वो नहीं है. वर्टिगो में पता नहीं, वो तो मतलब वो थ्रिलर है आई थिंक, मर्डर मिस्ट्री है, मतलब बहुत पुरानी फिल्म है वो, और ब्लैक एंड व्हाइट था, और वो लोग ने फिल्म कैमरा जो रील होती थी फिल्म कैमरा उस पे वो लोग ने वो क्रिएट किया है. तो वो क्या होता है कि जब एक सिंपल सा मूवमेंट होता है डॉली इन, मतलब हम लोग कैमरा को फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं डॉली इन, मतलब तो डॉली इन होगा क्या कि मतलब धीरे धीरे जो समझो कि ये फ्रेम है वो धीरे धीरे इतना पास आते रहेगा बराबर. और अभी क्या होगा कि जो लेंस होगी ना वो लेंस जूम लेंस वो लोग यूज करेंगे, तो पहले पहले वाइड एंगल रखेंगे एकदम, अभी वाइड एंगल रखा और पास लेके आए तो भी वो वाइड एंगल ही रहेगा ना, तो वो लोग क्या करेंगे कि डॉली इन करेंगे और जो वाइड एंगल है ना उसको थोड़ा और
टाइट करते रहेंगे एंगल को, मतलब मतलब और फोकस को ये करेंगे, फोकस को एडजस्ट करेंगे, तो कैरेक्टर फोकस में ही रहेगा और बैकग्राउंड नहीं लेगा, ओके समझा। तो मतलब कैरेक्टर का साइज जो है वो वही रहता है, क्योंकि मतलब वो बहुत ही कैलकुलेट करना पड़ता है और बहुत ही प्रिसीजन से करना पड़ता है कि कैमरा भी आगे रहा है और लेंस भी वाइड एंगल से ऐसा थोड़ा टाइट फ्रेम पे आ रहा है, तो बहुत ही कैलकुलेटिव वो लोग मतलब वो तो मशीन और वो सब से करते हैं, और 3D में पता नहीं वो लोग कैसे करते होंगे, मुझे कर ये देख रहा कर करके देखूंगा, हो गया तो भेजूंगा पक्का भाई। तो ये लोग कुछ ऐसे करते हैं, और वो वर्टिगो में फर्स्ट यूज किया था, उसे डॉली जूम बोलते हैं, वर्टिगो इफेक्ट बोलते हैं। और अभी तो है ना मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, तो गिम्बल्स और वो सब जो आए है ना, तो उसमें वो रिमोट कंट्रोल फीचर ही है, तो वो वायरलेसली कंट्रोल होता है वो सब, तो अभी तो बहुत इजी हो गया, अभी बहुत इजी हो गया, पहले वो लोग फिल्म लाइव एक्शन के लिए तो इजी है। हाँ अभी वो लाइव एक्शन के लिए इजी, हम लोग 3D में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। हाँ 3D में पता नहीं ये लोग कैसे करते होंगे, तो हम लोग ये शॉट देखते तो यहाँ पे डॉली जूम होता है एंटोन ईगो पे, और देन अचानक वो हम लोग यहाँ से अच्छा पहले तो इसका रेफरेंस मतलब दे देता है, ये जो डिश है वो हम लोग मतलब पूरी फिल्म इसके ऊपर है, रेटेटुली जो डिश है वो रेटेटुई सॉरी टूली टूली कर रेटेटुई जो डिश है तो वही पूरी फिल्म मतलब ये डिश के ऊपर नाम रखा है पूरी फिल्म का, मतलब कुछ है फैक्ट्स ऐसे निश्चित जो एक्चुअली है ये जो डिश है ये जो मैंने बोला वो जो शेफ थॉमस केलर है उसकी उसका क्रिएशन है ये पूरा, ये जो डिश है एक्चुअल में उसका क्रिएशन है, the way of creation is his in the final. Okay. Like ratatouille is a French dish, obviously पहले थी, but the way of creation that उन्होंने ये जो movie के अंदर बताई है, like slice करके उसको place करके pan के अंदर और roast करना, that process is of that Thomas Keller's, वो chef का, and that chef actually helped the animators to animate all the food. अच्छा तो मतलब फूड सीक्वेंस जो हम लोग देखते तो खुद शेफ को बता रहा था कि इस तरह से ओके मतलब और एक और है जितना फूड देख रहे हो उतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा है पता है क्या क्यों ये जो फूड है व्हाट एक्चुअली पीपल डिड जितने एनिमेटर्स थे देयर वर 10 मेन एनिमेटर्स ऑन दिस फिल्म तो वो सब 10 लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड किया फ्रांस में जाके फॉर कुकिंग थॉमस केलर के पास से ओ तो मतलब बहुत आइडिया आया कि फूड कैसे दिखेगा और देयर वर एप्रोक्सीमेटली उन लोग ने 240 डिफरेंट टाइप के फूड्स बनाए लाइक नॉर्मल फूड्स इन द सेंस नॉट द होल फूड द एक्चुअल जैसे अभी ये बोलते ना कुकम्बर है टोमेटोज है ब्रिंजल्स है और एग प्लांट्स है मतलब एक ही चीज हो गई तो वो सब चीजें जो 240 डिफरेंट फूड आइटम्स है उन लोग ने एक्चुअली वो 3D में क्रिएट किए रियल जो रियलिस्टिक लगे और ये जितना खाना देख रहे हो जितना खाना देख रहे हो जो फुल्ली क्रिएटेड है तो एक्चुअली उन लोग ने वो फूड यूज करके वो खाना बनाया वो खाने को एज अ रेफरेंस रख के उसके फोटोग्राफ्स लेके ये एक्चुअल फूड को उन लोग ने क्रिएट किया दैट्स द रीजन वो फूड उतना रियल लग रहा है तो और जो स्टार्टिंग स्टडी क्या रहेगा फूड का क्या है कैसे लाइट उसमें से जाएगी तो कैसा लगेगा या ब्रैड बर्ड ने खुद ने 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड किया था फॉर फूड एंड स्टफ कि उसको भी समझ आना चाहिए क्या है क्या नहीं क्योंकि और इसके अंदर जो भी खाना बना है ना ये पूरे मूवी के अंदर जो भी खाना बना है दैट यू कैन यूज दैट रेसिपी एंड क्रिएट दैट सेम डिश एट योर होम बिकॉज ऑल दोस थिंग्स आर रियल ओके जो सबसे पहला वाला सूप था जो लिंग्विनी ने रेमी ने क्रिएट किया था लिंग्विनी के सूप को रीमोडिफाई करके दैट सूप आल्सो एग्जिस्ट कुछ तो पोटैटो समथिंग करके एक सूप है दैट सूप वो रियल सूप है उन लोगों ने उसको मूवी में यूज किया तो वो एक्चुअल सब जितनी खाने की चीजें हैं सब रियल एक टाइप से बिकॉज यू कैन एक्चुअली मेक दोस थिंग्स इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि वाइन का जो सिमुलेशन है वाटर का वो मतलब जाता है वो वाइन डालते हैं जब पहले वो प्रैक्टिस करते हैं वो कुकिंग का तो वाइन डालते हैं तो वो सब
जो लिक्विड सिमुलेशन होता है वो सब, वो लोग कैसे मतलब एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अब वो माया नहीं, वो में माया के अंदर ही होता है, होता माया है? के अंदर ही हो जाता है वो। उसके लिए बस प्रॉपरली सेटिंग्स उन लोग को जमा के रखनी पड़ती है, बिकॉज हर लिक्विड का एक अलग विस्कोसिटी रहता है। हाँ वो अभी पानी है तो पानी डायरेक्ट बह जाएगा, हाँ लेकिन तेल है, तेल डायरेक्ट बहेगा नहीं, वो थोड़ा राइट सरफेस से चिपकेगा भी। तो राइट 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 ऑल दोज थिंग्स मैटर्स इन ऑल दोज थिंग्स, तो वो विस्कोसिटी सेटिंग्स प्रॉपरली करनी पड़ती है। ओके तो लोग पहले तो स्टडी करते होंगे ना मतलब हाँ, कैसे? विस्कोसिटी, अनलेस एंड अंटिल विस्कोसिटी सेटिंग्स वो लोग स्टडी नहीं करेंगे, तब तक वो लोग डिफरेंट लिक्विड सिमुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके समझा। तो मेन तो मेरा यही था ये शॉर्ट का कि मतलब एक डॉली जूम होता है और देन हम लोग अचानक देखते हैं कि एंटोनी को अपने अपने चाइल्डहुड में है, यहाँ पे काफी गोल्डन लाइट और हम लोग वही बोलते हैं ना मम्मी भूख लगी है कुछ बनाओ काइंड ऑफ खाने दो। ये सीन है वो, हाँ और काफी गोल्डन है क्योंकि चाइल्डहुड है तो काफी मतलब काफी अच्छा मतलब प्रेजेंट एक इनोसेंट ऐसा लाइटिंग है और काफी मतलब अच्छा सेटअप और वो सब। अच्छा ये इसमें हम लोग ये सारे प्रॉप्स देखते हैं तो ये प्रॉप्स वो लोग अलग अलग रेंडर करते हैं या एक ही सीन में रेंडर होता है ये? इसके अंदर जो प्रॉप्स और एनवायरनमेंट है ना, ये हाँ सीन के अंदर पूरा का पूरा एक ही इसमें रेंडर हुआ है पूरे के ओके इसमें। द रीजन इज कि ये जो पूरा सीन देख रहे हो, इफ यू एक्चुअली व्यू इट प्रॉपरली, तो आप देख सकते हो देर इज नथिंग हाई पॉली इन दिस, मतलब हाँ ज्यादा पॉलीगॉन्स नहीं है पूरे सीन के हाँ अंदर। दैट्स हाँ द रीजन, व्हेन पॉलीगॉन्स का जो लेवल है सीन के अंदर ज्यादा नहीं होता, तो वो एक ही शॉट के अंदर रेंडर कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। ओके ओके तो इसलिए यू थिंक जो सी जो एंटोन ईगो है, जो बच्चा है एंटोन ईगो, हाँ उसका शेडो भी प्रॉपर दिख रहा है। तो हाँ राइट दैट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि ये पूरा सीन एक साथ रेंडर हुआ है। अच्छा वो ओके शेडो प्रॉपरली विजिबल नहीं है, बट इट इज विजिबल व्हेन यू एक्चुअली वांट टू सी इट। राइट तो मतलब देयर आर मेनी शेडोज से थिंग्स भी इन दैट। पता चलता है कि ये कंपोजिट किया है या देन हाँ, साथ में रेंडर किया। ओके लाइट एक्चुअली क्या होता है कि कंपोजिटिंग के टाइम अगर कंपोजिटर ने ध्यान नहीं दिया और लाइटिंग मैच नहीं की कैरेक्टर हाँ की और एनवायरमेंट की, तब मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये सीन कंपोजिटेड है। ओके इफ अगर उसने कंपोजिशन में प्रॉपर किया है काम, तो माइट बी पॉसिबल कि वी आर जजिंग रॉन्ग एंड ये सीन भी पूरा कंपोजिट हो सकता है, बिकॉज इट्स द वर्क ऑफ कंपोजिटर के व्हाट लेवल ऑफ वर्क्स ही डज इन द सीन। राइट कंपोजिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द फैक्टर्स इन एनिमेशन मूवी। अगर हाँ थोड़ा भी कंपोजिटिंग गलत हुआ तो पूरा सीन विजुअली अपील जो था वो हाँ निकल जाएगा पूरा। राइट 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 और यहाँ पे वही हम लोग देखते हैं पूरा रिम लाइट है, सेपरेशन आ रहा था एक कैरेक्टर का और यहाँ पे मतलब ये बहुत ही मतलब मस्त सीन है कि उसको अपने बचपन की याद आ रहा थी वो डिश खा के कि मतलब वो टाइप का उसका स्वाद था वो रेस्टोरेंट का, और तभी उसे रियलाइज होता है कि मैंने मतलब गलती कर दी कुछ गलत क्रिटिक मतलब रेटिंग देके पहले, और अभी मतलब एक नया जो शेफ आया लिंग्विनी और उसने क्रिएट किया, और बाद में एक्चुअली से पता नहीं है कि एक रैट ने वो रेसिपी बनाई हाँ, है, बाद में मालूम बाद पड़ में रहा है। पता चलता है। तो ये यहाँ पे एक मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें फिल्म में दिखाते हैं और मतलब हमें पता है एज एन ऑडियंस हमें पता है कि क्या है, बट कैरेक्टर्स को नहीं पता ना तो तब हम और एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि कैरेक्टर को जब पता हाँ, चलेगा तब क्या होगा करके। तब क्या रिएक्शन होगा वही उसका। वही तो देन बाद में से बताते हैं और वो एक्चुअली रेस्टोरेंट बंद हो जाती है गुस्ताव की क्योंकि वो लोग रैट्स बोलते हैं कि रैट्स। हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ लिया था वही रैट्स ने, पर देन वो अंदर ही आई थिंक क्या दूसरी बाजू में रेस्टोरेंट खुलती है ये क्या बाजू बाजू में में खुलते खुलती बोलो। है, तो वही वो रेटेटुली और नाम रहता है। ये लास्ट शॉट है जब ये जिब अप होता है कैमरा और देन यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है कि ओके ये रेटेटुई नाम की एक ये रेस्टोरेंट खुल गई है। रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही मस्त ये एंडिंग शॉट है ये भाई ये तो बहुत अच्छा शॉट है बहुत। एक्चुअली। लाइक ये शॉट है ना, विजुअली क्यों इतना अपील कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो विजुअल देखते देखते जो फीलिंग आती है हमें, जो हाँ काम फीलिंग आती है, दैट्स द हाँ रीजन कि ये सीन इतना अपीलिंग है।
जो लाइट है, जो 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 सन की रेज है, जो हिसाब से क्लाउड पे बाउंस कर रही है, तो दैट गिव्स यू द कामनेस कि हाँ भाई वाओ। अच्छा ये सारे जो स्काईज रहते हैं ये सब HDR वो लोग करते हैं या ये भी 3D में बना सकते हैं हम लोग? नहीं स्काईज और ये सब 3D में नहीं बनते, वो HDR ही होते हैं एक टाइप से, बट HDR में भी दे क्रिएट दैट HDR। तो मेरे पास तो इतने ही शॉर्ट्स थे एक्चुअली, बाद में हम लोग एक्चुअली प्रॉपर वीडियोस देख सकते हैं अगर मतलब तो कौन सा शॉर्ट एक्सप्लेन करना है तुझे निश्चित? सबसे बेस्ट शॉर्ट तो हाँ एंडिंग वाला शॉर्ट एकदम, मतलब मूवी में ही एंडिंग। हाँ कितनी मूवीज रखी है ये तो कम है, बस 230 या उतने जीबी का पूरा मेरे पास, तो एनिमेटेड मूवीज है। हाँ अच्छा मुझे ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा इंट्रो के बारे में भी बात करना था कि ये ओपनिंग सीन है, तो ओपनिंग सीन में हम लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं कि ये कौन है करके, शेफ है एक, देन यहाँ पे एंटोन ईगो को भी हम लोग एस्टेब्लिश कर देते हैं, इसने वो कर दिया था रेटिंग दे दी, तो मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एस्टेब्लिशिंग शॉट्स जो है वो ओपनिंग शॉट्स जो है उसमें ही कितना इम्पोर्टेंट है कैरेक्टर्स को, इम्पैक्टफुल होने चाहिए, इम्पैक्टफुल होने चाहिए मेन पॉइंट, क्योंकि जब तक वो इम्पैक्टफुल नहीं हो गए तब तक ऑडियंस वो एक्चुअल वो शॉट्स को एक्चुअल ये नहीं कर पाएंगे भाई भाई। हाँ तो कौन सा एंडिंग का सीन देखना था? हाँ पहले थोड़ा पीछे थोड़ा बहुत मस्त मेरे यहाँ पे आधे आधे स्क्रीन आधे शॉट्स कट हो रहे हैं। अच्छा कट हो रहा है, ओके मेरे इस पे दिख रहा है। नहीं तो कुछ नहीं, तो कुछ कौन है ये? नहीं हाँ पॉज ना, फैक्ट ये पूरी मूवी का ये फैक्ट है एक्चुअली, इफ यू नोटिस जितने कैरेक्टर्स हैं हाँ किसी के टोज नहीं है। किसकी? किसी के टोज नहीं है, टोज टोज ओके, लेग्स के फिंगर्स होते एक भी नहीं है। ओह सबने सूजी पहने बिकॉज उन लोगों ने क्रिएट करे ही नहीं वो कैरेक्टर्स के अंदर। अरे ऐसा तो बस वो एक ही बोन है उधर, मतलब उनका इसलिए सभी के सभी कैरेक्टर्स है पूरी मूवी में इसी के भी टोज और थंब्स नहीं दिख रहे सिवाय माउस और इन लोग के। अरे बाप रे, मतलब ये हर वो नोटिस करना पड़ेगा, मुझे वापस देखना पड़ेगा, मतलब कोई भी कैरेक्टर्स के नहीं किए वो लोग ने, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं, इसलिए वो शूज में सबको दिखा, इसके लिए सबने शूज पहने, क्योंकि ये एंटोन ईगो की भी एंट्री होती है तो वो शूज आई थिंक दिखाते हैं ना, सिर्फ शूज दिखाते हैं नहीं, शूज नहीं चप ये होता है कुछ एक टाइप के बूट्स, पॉइंटेड शूज होते हैं समझना, पॉइंटेड शूज होते हैं वो। हाँ वो याद है, ओके किसी के भी टोज टोज इन लोग ने मॉडल ही नहीं किया, जैसे बेसिक लेग है। ओह और सिर्फ ये सारे रैट्स के वो लोग ने डिटेल में एक एक उंगली वो लोग, और सारे रैट्स के भी नहीं एक्चुअल में, सिर्फ उन लोग ने, और अगर रैट्स काउंट करूं मैं नॉर्मली तो उन लोग ने सिर्फ रैट्स बनाए थे, उसमें से तीन लिंग, एक तो रेमी, रेमी का भाई और रेमी के डैड, ये तीन रैट्स बनाए थे। क्या कितने रैट्स बनाए थे उन लोग ने? 10 to 20 रैट्स अराउंड, अप्रोक्स 10 to 20 रैट्स मॉडल किए, और सिर्फ तीन मेन रैट्स उन लोग ने मॉडल किए, दैट इज वन इज रेमी द मेन कैरेक्टर, उसके डैड और उसका भाई, ओके वो तीन ही कैरेक्टर्स उन लोगों ने प्रॉपरली मॉडल करके रिग किए, बाकी सब बेसिकली मॉडल एंड रिग थे, नॉट दैट बिकॉज वो लोग कुछ मेन नहीं है, अपफ्रंट दिख नहीं रहे, वो लोग बैकग्राउंड में दिख रहे थे, राइट राइट, और उन लोग बाद में मल्टीपल जो रैट्स की पूरी जो कॉपीज हो रही है अलग अलग जगह पे, बहुत सारे रैट्स है
तो उसमें इफ यू प्रॉपरली वो एक सीन को पॉज करके अगर देखो तो हाँ एक ही रेड आपको अलग अलग जगह पे 3 से 4 बार दिखेगा, मतलब एक ही रेड क्लोनिंग की गई होगी, वैसा क्लोनिंग करके। क्लोनिंग की है ओके ऑब्वियसली, क्लोनिंग करके रखी है उन लोगों ने ओके उसकी। ओके। ये वो टो वाला तो अजीब ही फैक्ट था, मतलब पता भी नहीं। ये इस पे एक और प्लेफुल शॉट है, जब ये एक्चुअली ये जब पहले वो लोग जहाँ पे रहते हैं घर में, तो वो लोग को पता चलता है कि अरे ये ऐसे पता चल जाता है कि ये रैट आ गए घर में, तो गोलियां चलाने लगते हैं। ये शॉट देखेंगे, एक्चुअली गोलियां चल गई है छत पे। हाँ, और सब नीचे गिर गया, इतने सारे नेटिव्स। और एक्चुअली वाटर रियल इसके लिए लग रहा है, बिकॉज यू सी जब वो पानी उछल रहा है तो वो थोड़ा फोमी दिख रहा है थोड़ा, दैट्स द हाँ रीजन। राइट। तो ये सब ये माया में वो लोग पूरा मतलब सिमुलेट करते हैं पूरा, माया इतना में सिमुलेट डिटेल करते हैं। में। यही दिखाना था कि कितना फनी, एक मतलब फन भी है और देन सस्पेंस भी है कि क्या होगा उसका, क्या होगा करके। और कोई सीन्स है जिसके बारे में बात करनी है पर्टिकुलरली? एक्चुअली बहुत पूरी मूवी लाइक डिस्कसेबल मूवी है, बिकॉज हाँ ऑफकोर्स बहुत सारे इतने सीन्स हैं जो अलग वे में उन लोग ने करे हैं, और बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो उन लोग ने ऐसे 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 किए हैं कि अनबिलीवेबल है ऐसे सीन्स। हाँ। उसमें से एक एक तो सीन कोई कौन से सीन्स मतलब? है जब वो पूरा सिटी बता दे, अगर अप्रोक्स 24-25 मिनट्स के आसपास है, लाइक टू ओके रीवॉच इट फॉर एग्जैक्ट टाइम के लिए, परफेक्ट सीन भी लगा था। पीछे वो ओके जोकर दिख रहा है तेरे को, हाँ, मिमिक वो मिमिक आर्टिस्ट। हाँ आर्टिस्ट, ध्यान से देख उसको, थोड़ा रिजेम्बल कर रहा है कुछ। हाँ मतलब एंटोन को। नहीं, एंटोन को नहीं, वो आर्टिस्ट जो है मिमिक हाँ आर्टिस्ट, हाँ जस्ट ये बात तूने कहीं और कहीं तो देखा है और दूसरे का पे। नहीं नहीं याद नहीं आ रहा, वो भूत के मूवीज में रहता है वो, नहीं, इनक्रेडिबल्स मूवी में फर्स्ट मिस्टर इनक्रेडिबल का जो ओपनिंग सीन है उसके अंदर जो मिमिक आर्टिस्ट बैंक के अंदर बम फोड़ के एंट्री मारता है, ये वही जोकर है, ओ ये वही ये है मिमिक वो, आर्टिस्ट है, ओके मिस्टर माइमिक। ओ मतलब वो लोग वही कैरेक्टर्स भी लेते हैं अलग अलग वर्ल्ड हाँ में। ओके हाँ बहुत डिज्नी एंड पिक्सार अपनी मूवीज के अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस डालते हैं, हाँ और ये जो पूरा सीन है इसके अंदर, ये जो बैकग्राउंड के अंदर जो चर्च दिख रहा है ना, हाँ ये दैट्स एक्चुअल द चर्च दैट इज इन द पैरिस। नॉटरडेम, उन लोगों नॉटरडेम, ने एक एक चीज, हाँ नॉटर डेम, उन हाँ लोगों ने एक्चुअली ये चीज मॉडल की है फ्रॉम स्क्रैच। बापे बापे, इसलिए इतना डिटेल डेप्थ आ रहा है ये बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज मॉडल, हैंड एक बोलते हैं ना हैंड पेंटेड जो बोलते हैं ना, दिस इज हाँ। हैंड मॉडल। अरे बाप, और ये बहुत ही अच्छा शॉट है क्योंकि ये एक तो जी मतलब एक्सिस पे इतना मस्त डेप्थ दिया है, और यहाँ पे फोरग्राउंड में ये यहाँ पे इसका ही एक रेलेवेंट पोस्ट वो पढ़ रहा है, ये गुस्ताव राइजिंग स्टार, और देन यहाँ पे ये एक मेन कैरेक्टर है ये, और बहुत ही मतलब अच्छा कंपोजिशन अगर आ जाए एनिमेशन में तो मतलब चार चांद लग जाते हैं एनिमेशन में, यही है। कंपोजिशन एज वेल एज एक सिनेमेटोग्राफर होता है ना वो, हाँ तो सिनेमेटोग्राफर जो वे से एक सीन को देख सकता है वैसे ना डायरेक्टर देख सकता है ना वही, कोई और देख सकता है, राइट राइट, तो ठीक है। बिकॉज और अगर अगर तुम्हारे पास तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो ऑलरेडी उसके पास सिनेमेटोग्राफिक एक्सपीरियंस है, यानी से हाँ एड ऑन फॉर हिम, हाँ राइट, बिकॉज सिनेमेटोग्राफी इवन इन एनिमेशन एज वेल एज लाइव एक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑब्वियसली यू नो इट, यस। इन एनिमेशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर हम बैकग्राउंड में से कुछ सीन्स, हम लोग के पास कुछ है नहीं, हाँ हम लोग को जो करना है अभी, यू गाइस हैव द लिमिटेशन कि हाँ भाई कैमरा इधर से उधर लेके जाना है, इधर से ऊपर करना है, इधर से, वी डोंट हैव दैट लिमिटेशंस, राइट, वी कैन डू एनीथिंग। तो अगर सिनेमाटोग्राफर के पास प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा, उसको नॉलेज रहेगा कि हाँ मतलब कैमरा तो हम तो कहीं से भी उछाल सकते हैं या कहीं से भी डाल हाँ सकते हैं, हाँ बट कैसे उछालेंगे और कैसे डालेंगे कि वो अच्छा लगेगा,
राइट तो वो एक चीज है ना, वो सिनेमाटोग्राफर हमें बता सकता है। हाँ होता है। तो एक्चुअली मैंने इसका अभी लेटेस्ट डिज्नी पिक्सर का फिल्म देखा था, कौन सा है जो दो भाई के ऊपर है, अभी रिसेंटली आया। दो भाई बहन है ना, फ्रोजन? नहीं नहीं फ्रोजन वाला नहीं, अभी जो दो शिट मैं नाम कैसे भूल गया। तो क्या क्या कौन सा वाला मूवी, मैं नाम भूल गया, मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पर उसमें क्या था कि उसके सिनेमेटोग्राफर्स भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब लेंस और वो सब भी ऑनवर्ड हाँ ऑनवर्ड। तो वो ऑनवर्ड के सिनेमेटोग्राफर थे, लाइटिंग आर्टिस्ट और सिनेमेटोग्राफर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह का लेंस वो लोग यूज करते हैं। मतलब एनिमेशन फिल्म में भी लेंस और वो सब रहता है, मुझे पता नहीं था। नहीं आज क्या होता है, हम जब एक कैमरा इंपोर्ट करते हैं सीन के अंदर, तो वो कैमरा के अंदर उतने ही कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं जितने एक रियल कैमरास में होते हैं। इन सिनेमेटोग्राफी इन लाइव एक्शन मूवीज यू एक्चुअली चेंज द लेंस राइट, बट हम लोग लेंस का टाइप चेंज करते हैं। अभी तुम लोग 50mm लेंस का टाइप करते हो, वी हैव दैट ऑप्शन 50mm लेंस एंड देन वी कैन चेंज इट टू 24mm 60mm इन डिफरेंट 120mm अलग अलग वी कैन चेंज इट। हमारे पास अपर्चर कंट्रोल है, बट लाइक एक चीज होती है कि हमारे पास उतना कंट्रोल नहीं कर सकते हम लोग कैमरास को जितना तुम लोग कर सकते हो, जितना ऑन हैंड कर सकते हैं वो अलग चीज हो गया। और फोकस पॉइंट है, फोकस डिस्टेंस है, वो सब चीजें थोड़ा कंट्रोल करना हार्ड रहता है 3D के अंदर। अच्छा, क्योंकि फोकस तो हम लोग लाइव एक्शन में तो स्क्रीन पे देख के तुरंत हम लोग पता लगा सकते हैं व्यूफाइंडर में। इसमें हम लोग अनलेस एंड अंटिल वो रेंडर नहीं हुआ तब तक तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि वो फोकस में है, थोड़ा फोकस से आउट है, फोकस के अंदर है, कुछ पता नहीं। तो एक टेस्ट फ्रेम रेंडर करना ही पड़ता है हम लोग को, उसको फोकस टेस्ट करने के लिए हम लोग को, रियल टाइम में तो कुछ होता नहीं है। हाँ रियल टाइम इंजन आ रहे हैं, देख मैं भी रियल टाइम इंजन यूज करता हूँ, बट कैमरास के अंदर रियल टाइम इज लाइक उतना एफिशिएंट नहीं है वो अभी तक। अभी तक वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। हाँ तो AI और वो सब वो आएगा धीरे धीरे, हो सकते हैं धीरे धीरे आ सकते हैं। हाँ तो मतलब यही था, हम लोग ने फिल्म के बारे में बहुत बातें की। और मतलब और भी कोई सीन एक्सप्लेन कर रहा है तो मतलब कर सकते हैं और भी, या इतनी मतलब इंटरेस्टिंग है ये। और भाई और ऐसी बहुत सारी फिल्म्स है एनिमेशन में, और तुम कौन सी फिल्म्स रेकमेंड करोगे लोगों को अगर जिसे एनिमेशन सीखना है और जो लोग इसमें जाना चाहते हैं ये फील्ड में, तो कौन सी एनिमेशन की फिल्म्स देखनी चाहिए उनको? फॉर एनिमेशन रिलेटेड अगर मूवीज में तुमको जाना है तो बेस्ट मूवी लाइक ऑब्वियसली एक तो मूवी वी डिस्कस इट, वन ऑफ द मूवी राजा 2 इज ऑलरेडी देयर। Then after that, Finding Nemo is there. Yes. Best movie. Like, concept wise, it's best. Animation wise, is also best. And then both of the Incredibles are good, without any issues. Right. And there are many onwards. My new favorite animation movie that I would actually suggest people to watch, that would be Spies in Disguise. Okay, Spies in Disguise. Okay. Yeah, starring Tom Holland and Will Smith. It's a very good movie. It's a very good movie. In that, the reason why watching a movie in that movie is the 3D perspective of the people might change. Because when a human turns into a pigeon, that is something called as different level. Okay. So it's all a live action dropping, animation or total animation? It's full animation. Okay. It's full animation movie. But the way the character is morphing into a pigeon and back into human and all those stuff, it's like super. Okay. So lots of people recommend anime films. So will you recommend anime films who are studying animation, 2D animation? See, anime, 2D, if you are trying to go into 2D animation in the field of anime, watching an anime and considering those effects and stuff, it's good. But anime doesn't come in the 3D part. Okay.
हाँ राइट राइट एनीमे इज नॉट अ 3D इट्स 2D पार्ट यू कैन क्रिएट अ एनीमे सीक्वेंस इन यू नो इन फोटोशॉप टाइमलाइन इटसेल्फ राइट You have that that feature in Photoshop that you can create it. Right. So like, there are many people who actually tell me that anime is 3D. Like I'll say anime is not 3D. Anime is this. It's literally 2D. 2D animation, right? Even if there is a 3D perspective, it's still a 2D. The whole scene is 2D. Right. It's hand drawn. This is the like a fact of anime that all of the scenes are hand drawn in that. Yes. Like they use a pen tablet to actually draw all the scenes. Oh. All that slash cut of the body and stuff. So मतलब इसी के साथ आप लोग complete करते हैं यार ये. किस तरह का प्रोसेस रहता है एक 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म को बनाने का एक प्रोसेस ही कितना मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है और थैंक यू निशित बहुत ही मतलब डिटेल में बात की बहुत सारे फैक्ट्स बताए और बहुत ही मजा किया हम लोगों ने थैंक्स बहुत सारे मतलब फैक्ट्स नहीं पता थे मुझे रेटेटुई के बारे में या ब्रेड बर्ड के बारे में दैट्स नॉर्मल बिकॉज़ जो मूवीज देखते हैं और जो मूवीज रिसर्च करके क्रिएट करते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंस आता है ऑब्वियसली हम लोग क्रिएट करते हैं सो वी नो कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और क्या फैक्ट्स हम लोग को रिसर्च करने पड़ते हैं हम लोग को वो मूवी के बारे में जब देखने के बाद अगर कुछ करना है उसके अंदर इसके लिए Right. There is also a fact, last again, thoda cut me off. Again, ek fact hai. People are telling that Ratatouille 2 ban rahi hai. So, agar Pixar wale ke paas ye video pahunch rahi hai, to unko pooch lena bhai, kab ban rahi hai? Zara bata. Ratatouille 2, part 2. Haan, part 2. ये story यहाँ पे end हो गई, वही sweet मतलब बात है यार. इसका 2 second version यार, मतलब. यार आना चाहिए. मैं तो बोलो आना चाहिए. अभी चूहा नहीं कुछ करेगा शायद समथिंग एल्स लाइक समथिंग एल्स शुड कुक हां कि मतलब चिकन कुछ हां चिकन बदला लेगा चिकन बदला लेगा जैसे कि ये था मीटबॉल्स एंड हां मीटबॉल्स लाइक वो भी मस्त मूवी दैट इज अ 3D मूवी दैट इज आल्सो गुड मूवी हां वो भी एक्चुअली काफी दो पार्ट है मैंने देखा उसके Cloudy with a chance of meatballs. हाँ full name इसका हाँ full name इसे दो parts आएंगे हाँ दो parts हैं तो वो भी है फिर और बहुत सारे movies हैं बहुत हैं तो तुझे कोई questions पूछने हैं मतलब cinematography wise या direction wise ये film के बारे में cinematography मुझे एक चीज पूछनी है live action से अभी एक obviously एक question तो मैंने पूछा Dolly Zoom related हाँ हाँ एक चीज मुझे पूछनी है कि when you how do you guys decide कि मतलब हाँ obviously तुमने एक storyboard करके रखा है तुमने live action में consider But sometimes when you actually live जब उसको करने बैठोगे, shoot करने बैठोगे actors के साथ, you come to know that वो shot उतना नहीं लग रहा proper, जैसे storyboard में लग रहा था। Right. So वो upgrade कैसे करते मतलब on set कैसे तुम उसको ये कर सकते हो? करते हो actually। तो on set तो मतलब decision making पूरा तो cinematographer पे नहीं रहता अगर उसको कुछ गलत लग रहा है कि मतलब ये शायद वो सही नहीं बैठ रहा है स्टोरीबोर्डिंग तो किया था पर वो मतलब जज नहीं रहा है वो लाइटिंग वाइज या वो कैरेक्टर अच्छा नहीं दिख रहा है वो शॉट में तो हम लोग बाद में इम्प्रोवाइज करते देखते अलग अलग तभी है ना तभी तभी के तभी हम लोग कैमरा घुमाते हैं अलग अलग एंगल से देखते हैं और एक्चुअली वो लोग के पास एक व्यू फाइंडर रहता है तो कैमरा भी उठाने की जरूरत नहीं है वो लेंस आगे लगा रहता है और उसमें से ही हम लोग देख पाते कि कैसा दिख रहा है वही लेंस के साथ कैसा दिखेगा तो सिनेमेटोग्राफर है उसका असिस्टेंट घूमेगा वो सेट पे और मतलब वो बाद में बताएगा DOP को कि ये सही है क्या मतलब ये हम लोग ने ऐसा किया है और लाइटिंग यहाँ से दी है तो मतलब कई बार मतलब फिक्स नहीं रहता है सब कुछ तो
वहां पे वो लोग इम्प्रोवाइज भी करते हैं कुछ कुछ, कई बार डिसीजन बदलने भी पड़ते, तो वो एक्चुअली मिलाकर वो लोग डिसीजन बनाते हैं। ओके 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 समझा। और जो फॉर एग्जाम्पल अभी सॉरी हेलो, हाँ हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सॉरी सॉरी, गलती से म्यूट हो गया। हाँ अरे व्हाट एट सम अभी एक्शन सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल एक, हाँ अभी एक्शन सीक्वेंस में पीपल नो कि वो जो ग्लास टूटता है वो सब ऑलरेडी पीपल नो कि वो काइंड ऑफ शैटर्ड ग्लास होते हैं, वो हाँ ऑलरेडी एक टच एक से है टूट जाते हैं, कैंडी वी नो इट ग्लास, राइट, बट हाँ वो नॉर्मल ग्लास एंड अ शैटर्ड ग्लास उसको जब हम कैमरा में देखते हैं हाँ लाइव अपनी आंख से देखते हैं वी हाँ सी द डिफरेंस, वी हाँ एक्चुअली सी द डिफरेंस, बट कैमरा के अंदर जब हम एक्चुअली कैमरा के थ्रू उसको देखते हैं वी डोंट सी एनी डिफरेंस, तो हाँ व्हाई क्या करते क्या हो कि वो दिखता नहीं है। वो क्या रहता है, वो लाइटिंग के ऊपर है सब कुछ, क्योंकि ग्लास जो है ना वो अभी शुगर ग्लास का है ना, वो ग्लास की तरह वो पैरामीटर नहीं रहता, वो रिफ्लेक्ट कम होगा कंपेयर टू नॉर्मल ग्लास। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो लाइट जो है ना वो उस पे डायरेक्टली कभी देते ही नहीं है, रिफ्लेक्ट करके देते हैं, तो रिफ्लेक्ट करके देंगे ना तो वो शाइनिनेस थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा स्पेक्युलेशन आ जाएगा ग्लास पे, और नॉर्मल ग्लास जो रहेगा ना उस पर डायरेक्ट लाइट देते, उसमें भी रिफ्लेक्टेड देते पर उसमें तुरंत पकड़ सकते हम लोग रिफ्लेक्शन, वो स्पेक्युलेशन इतना रहता है नॉर्मल ग्लास का, पर वो शुगर ग्लास जो रहता है वो शुगर को जमा के वो लोग बनाते, ये कैरेमल जो रहता है वो पिघला, सॉरी कैरेमल तो अलग है, पर शुगर को पिघालते हैं और देन उसका जो कांच बनता है एक शीट बनता है उसको लोग रखते हैं, तो इजीली रहता फिर चाय में भी मिलाते है। हाँ उसको हाँ तोड़ने अरे कोई कोई बिहाइंड द सीन्स पे देखेंगे ना तो वो लोग खा रहे, वो ग्लास वैसा खा रहे वैसा दिखा रहे, तो वो अलग है उसका, उसका जो लाइट वो का, हाँ अलग भाई, तो उस हिसाब से लाइटिंग करते इसलिए ऐसा दिखता है, है। ओके सिनेमाटोग्राफी में समझा। लाइटिंग भी मैंने, तो लाइटिंग वो लोग उस हिसाब से करते हैं इसलिए वो अलग दिखता है, वो ग्लास ही लगता है। और जो लाइटिंग्स है वो डिसाइड कौन करता है पूरे सीन के, ऑब्वियसली देयर आर 2 to 3 डिसीजन मेकिंग पर्सन ऑन द सेट, हाँ एक डायरेक्टर जो होता है हाँ वो, देन डीओपी एक होता है, राइट देन लाइटिंग पर्सन भी एक होता ही है जो सीन की लाइटिंग हाँ डिसाइड करता है, हाँ बराबर। हाँ तो पर मेन किसका इन्फ्लुएंस रहता है तीनों में से कि लाइट ये बराबर है ये सही है और लाइट होनी चाहिए या कम लाइट होनी चाहिए दैट वे? हाँ अभी वो है ना वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, पर डिसीजन डीओपी लेता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, ना वो लाइट मैन लेता है ना उसका असिस्टेंट लेता है या कोई भी, क्योंकि डीओपी जो है कैमरा में ना देखना भाई, चाहिए। क्योंकि डीओपी जो है वो लाइट वो स्कल्पचर स्कल्प्टर है वो लाइट का, वो लाइट से स्कल्प्टिंग कर रहा है वो सीन का, वो सिर्फ सिनेमाटोग्राफर जो है वो सिर्फ कंपोजिशन नहीं करेगा वो सीन का, पर लाइटिंग भी डिसाइड करेगा, तो बाद में वो डायरेक्टर को पूछेगा कि सर ये सही है क्या, ये उस मूड के हिसाब से या डायलॉग के हिसाब से जा रहा है क्या, फिर वो कमांड देगा अपने लाइट मैन को कि जाओ इस तरह का लाइटिंग सेटअप सही लग रहा है अभी, ये सही है करके, तो ये लाइट चालू करो वो लाइट चालू करो, और वैसा, और फाइनल डिसीजन लाइटिंग के हिसाब से डीओपी का ही रहता है, सिनेमाटोग्राफर का ही रहता खड़े होते क्या तुम लोग में है। क्या कभी क्या, हाँ बहुत एसोसिएट झगड़े झगड़े, वो डिपेंड करता है लोगों के, वो फ्रेंड्स कैसे स्वभाव है कौन है लोगों यार? के, झगड़े भी होते हैं क्योंकि मैंने भी मेरे स्टार्ट में मुझे मैं ये फील्ड में जब आया था मैंने भी हाँ एक दो शॉर्ट फिल्म्स की थी, एक दो नॉट दैट गुड हाँ ऑब्वियसली, मैं खुद नहीं मानता अच्छी है, बट हाँ उसमें मैं शूट करते टाइम ही मेरे और मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ कर रहा था तने झगड़े हुए थे, भाई बिलीवेबल अभी हम लोग ने वो 50 आवर शॉर्ट फिल्म किया, उसमें कितना प्रॉब्लम आ रहा था, वो तो अलग ही इतना लेवल का टास्क था वो, वही आई स्टिल अदर मूवी, आई स्टिल अदर मूवी, क्या क्या स्टिल अदर, आई स्टिल हैव दैट मूवी, ओके मेरे ओके को हाँ बहुत तो ठीक है, पर अभी ये खत्म हो रहा था, इसके बाद हम लोग करेंगे द मास्क मैन, जो मैंने बोला है उस पर तेरी एक्टिंग करनी है, अरे हाँ हाँ वो हाँ कर रहा आऊंगा है,
ये लॉकडाउन खत्म हो रहा है उसके बाद करना ही है मुझे, क्योंकि उसी के ऊपर है, कोरोना वायरस के ऊपर फिल्म है, तो बस वही तो अच्छा, करना है। घर में बैठे बैठे बोर हो गए, अभी हालत वही ऐसी है। तूने वही मेरी नई मूवी देखी क्या, वाली जो मैंने तेरे को भेजी शायद? हाँ, मैंने देखी। हाँ, और मैं मतलब चाहूंगा कि वो शेयर करे लोगों तक, तू यूट्यूब पे डाल के वो कर, मतलब चाहे वो कुछ मैं भी करता हूँ, सेकंड्स का ही हो। मैं वही वही डालता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। तो निशित, थैंक्स थैंक्स सो मच। हम लोग यहाँ पे ये सेशन एंड करते हैं, और मुझे पता है कि मतलब लोगों को बहुत मजा आया होगा, लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा, काफी सीखा होगा लोगों ने एनिमेशन के बारे में, और फैक्ट्स भी जाने होंगे निशित से। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं ये सेशन को। थैंक यू सो मच गाइज, फिल्मी फंडे पे रहने के लिए। हाय गाइस।